Hello friends, welcome to Navkar Digital Institute. I am CA Vatsal Shah. Today we will learn the new topic of a CA final financial reporting subject, that is nothing but Ind As 115. Friends, Ind As 115, naam kya hai? That is nothing but revenue from contract with customer. Again I am repeating, revenue from contract with customer. Sir, actually 115, aane ke peeche ka reason kya tha? First of all, I am covering the introduction topic. IFRS 15 इश्यू हुआ है एंड जिस मोमेंट पे IFRS 15 इश्यू हुआ उस मोमेंट पे इंडिया को एक कन्वर्ज्ड Ind AS 115 इंट्रोड्यूस करना पड़ा. Ind AS 115 इज एप्लीकेबल फ्रॉम द 1st अप्रैल 2018. MCA ने नोटिफाई किया था कि हर एक Ind AS वाले एंटिटीज को Ind AS 115 फॉलो करना पड़ेगा. कब से? 1st अप्रैल 18 से. जिस मोमेंट पे Ind AS 115 इश्यू हो गया उस मोमेंट से दो इंडेस निकल गए, दैट इज समथिंग बट Ind AS 11 एंड Ind AS 18. Ind AS 11 इज नथिंग बट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड Ind AS 18 इज नथिंग बट रेवेन्यू. मतलब Ind AS 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट निकल गया, Ind AS 18 रेवेन्यू वाला निकल गया. Ind AS 11 प्लस Ind AS 18 को कॉम्बो करके इन लोगों ने एक नया Ind AS दे दिया, दैट इज समथिंग बट 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर. अच्छा, फॉर एकेडमिक पर्पस दिस Ind AS 115 इज एप्लीकेबल टू द CA फाइनल न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स को एप्लीकेबल होगा एंड वो भी कब से? फ्रॉम द मे 2019 अटेम्प्ट से. तो मे 2019 अटेम्प्ट के ऑनवर्ड्स लोगों को Ind AS 11 एंड Ind AS 18 करने की जरूरत नहीं है, उन लोगों को सिर्फ Ind AS 115 करने का. सिर्फ 115 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की दुनिया याद करो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मेरे पास अगेन दो AS थे. वन इज नथिंग बट AS 7, दैट इज नथिंग बट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड AS 9 इज नथिंग बट रेवेन्यू रिकॉग्निशन. कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में फ्रेंड्स अगर आपको याद है तो वहां पे हम अकाउंटिंग करते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की दुनिया में आइदर परसेंटेज कंप्लीशन मेथड से. वहां पे भी एक और मेथड दिया था कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड, पर अब में वो रिमूव हो गए थे ना. वहां पे हम जो फॉलो करते थे वो सिर्फ कौन सा फॉलो करते थे? परसेंटेज कंप्लीशन मेथड. AS 9 की फ्रेंड्स बात याद करो तो वहां पे रेवेन्यू था एंड रेवेन्यू मतलब व्हाट? तो वहां पे हम बोलते थे कि रेवेन्यू मींस अ ग्रॉस इनफ्लो ऑफ द कैश और रिसीवेबल पांच जगह से, सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी. AS 9 वहां पे खत्म हो जाता था. मतलब AS 7 एंड AS 9 का स्कोप बहुत नैरो था. बाद में Ind AS 11 एंड फ्रेंड्स Ind AS 18 याद करो, Ind AS 18 के पीछे भी तीन तो अपेंडिक्स दिए थे कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम के. अच्छा, उसके बाद अगर कोई ट्रांसफर ऑफ असेट फ्रॉम कस्टमर है, वो सारे अपेंडिक्स थे, वो सब कुछ निकल गया. अब एक ही कॉन्क्रीट Ind AS, दैट इज समथिंग बट 115 आपको फॉलो करना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स Ind AS 115 इज एप्लीकेबल फ्रॉम द 1st अप्रैल 2018 एंड फॉर एकेडमिक पर्पस CA फाइनल न्यू सिलेबस वालों को मे 19 ऑनवर्ड्स वाले स्टूडेंट्स को रेडी करने की जरूरत होगी. अच्छा, अगर उसका इंट्रोडक्शन टॉपिक्स देख ले, IFRS 15 वाज इश्यूड. So India has issued a converged Ind AS 115, that is nothing but revenue from contract with customer. This standard will supersede Ind AS 11 construction contract and Ind AS 18 revenue. And the revenue is defined as the income arising in the course of an entity's ordinary activity. Friends, first definition, that is nothing but revenue is defined as income arising in the course of an entity's ordinary activities. Like friends, what? Agar Navkar Institute hai, तो नौकार इंस्टीट्यूट का ऑर्डिनरी एक्टिविटीज मतलब कौन सा? तो हम जो कोचिंग देते तो हमारे लिए जो कोचिंग में से फीस मिले, दैट इज नथिंग बट जस्ट हमारे लिए वो क्या होगा? रेवेन्यू होगा. उसके अलावा हमको कुछ अगर एक्सेस कुछ भी पेमेंट मिल रहा है तो उसको हम रेवेन्यू में कंसिडर करने वाले नहीं. मतलब सर वॉट? नौकार अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचे एंड प्रॉपर्टी मान लो अपनी बुक में 100 रुपीज की प्रॉपर्टी है एंड अगर उसको हम 120 में बेच रहे तो ऊपर का 20 रुपीज अगर कुछ ज्यादा मिल रहा है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू एज पर Ind AS 115. सुन लो, मैं उसको रेवेन्यू ना बोल रहा हूं, वो इनकम हो सकता है. मतलब अब एक और डाउट है, देर आर टू वर्ड्स, वन इज अ रेवेन्यू एंड सेकेंड इज अ इनकम. मैं ये बोल रहा हूं नौकार अगर अपनी 100 वाली इस प्रॉपर्टी अगर 120 में बेचे तो वो हमारे लिए रेवेन्यू नहीं है, बिकॉज वो हमारा ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस नहीं. पर मान लो नौकार का काम ही अगर प्रॉपर्टी लेने का एंड प्रॉपर्टी बेचने का, हाँ तो प्रॉपर्टी लेना एंड प्रॉपर्टी बेचना इट्स आर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी एंड अगर वो ऑर्डिनरी हमारा बिजनेस की एक्टिविटी वो है तो यस, जो बेचेंगे वो हमारे लिए क्या होगा? रेवेन्यू होगा. मान लो नौकार क्या कर रहा है, नौकार कोचिंग दे रहा है तो कोचिंग फीस इज नथिंग बट बाय रेवेन्यू. पर दो मिनट के लिए मान लो नौकार ने हर एक स्टूडेंट्स के लिए कुछ कल्चरल एक्टिविटी रखा, मान लो नौकार ने हर एक स्टूडेंट्स के लिए कुछ पिकनिक जैसा कुछ अरेंज किया
अगर उसके लिए हम अगर स्टूडेंट्स के पास से फीस लेते हैं, कुछ अमाउंट लेते हैं, कुछ टोकन लेते हैं, कुछ पासिस के रुपए लेते हैं, तो वो हमारे लिए रेवेन्यू नहीं है. रिजर्व कल्चरल एक्टिविटी पिकनिक पे लेके जाना, इट्स नॉट आर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. एंड इफ इट इज नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो हमारे लिए रेवेन्यू नहीं होगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, वो हमारे लिए रेवेन्यू नहीं होगा, वो हमारे लिए इनकम हो सकता है. इनकम की डेफिनेशन हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. व्हाट फ्रेंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू? रेवेन्यू इज डिफाइंड एज इनकम from the ordinary course of business. मगर मान लो नौकर ने, अगर अपने पास कुछ भी एक्सेस फंड थे, वो एक्सेस फंड अगर नौकर ने कहीं भी इन्वेस्ट किया है, एंड वो इन्वेस्टमेंट में से मान लो हमको इंटरेस्ट इनकम का डिविडेंड इनकम मिल रहा है, दैट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम इज नॉट रेवेन्यू एज पर इंड एस 115. यू नो वेरी वेल कि अगर वो हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो दैट इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की हर एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो उसको हम इंड एस 109 में डील करेंगे, पर इसको हम यहाँ पर रेवेन्यू कंसिडर करने वाले नहीं है. दिस इज नथिंग बट इंट्रोडक्शन. अगेन आई एम रिपीटिंग, 1 अप्रैल 2018 से जिस एंटिटीज को इंड एस फॉलो करना था वो लोग फॉलो करेंगे. उसके बाद बोल दू फॉर सी ए फाइनल न्यू सिलेबस मी 19 स्टूडेंट्स के ऑनवर्ड जितने भी है उनको फॉलो करना पड़ेगा. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेवेन्यू? द रेवेन्यू इज द थिंग बट ऐसी इनकम जो हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में से मिल रहा है. फ्रेंड्स आगे चेक करें एप्लीकेबिलिटी. फ्रेंड्स इंड एस 115 किसको एप्लीकेबल होगा? तो आप आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जितने भी कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, दो वर्ड मैंने बोला कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका भी डेफिनेशन देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टमर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बहुत डिटेल इंड एस दिया है तो थोड़ा शांति रखना, धीरे धीरे करके सब कुछ हम यहां पे कवर करने वाले हैं. बहुत लंबा इंड एस है तो कस्टमर एंड मुझे कॉन्ट्रैक्ट आपका बिजनेस समझाना पड़ेगा. पर सबसे पहले मैं बोल दू इंड एस 115 एप्लीकेबल किसको नहीं होगा. तो नॉन एप्लीकेबिलिटी के लिए फ्रेंड्स आपके लिए समरी में लेके आयो, आपको एक वर्ड याद रखना है, लाइफ को एप्लीकेबल नहीं होगा. सर आप क्या बोल रहे हो? लाइफ, समरी जस्ते लाइफ, एल आई एफ ई, एल मतलब लीज कॉन्ट्रैक्ट, आई मतलब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, एफ मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इन ई मतलब कुछ नहीं एक्सचेंज जो दो पार्टी के बीच में होता है एंड वो दोनों पार्टी सिमिलर नेचर वाले बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो उसको यहां पे कवर नहीं होगा. अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर स्टूडेंट पर्पस के लिए मैं सिंपल बोल रहा हूं, आपको इतना याद रखना है इंड एस 115 चार जगह पे एप्लीकेबल नहीं होगा. उसके लिए हमने स्लोगन बना के रखा है, दैट इज समथिंग बट लाइफ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइफ? दैट इज समथिंग बट लीज, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. एंड लास्ट वाला पॉइंट तो मैं डिटेल डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज समथिंग बट एक्सचेंज ऑफ द गुड्स, ऐसी दो एंटिटी के बीच में जो दोनों एंटिटी सेम लाइन ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व है. पहले रीड करके बाद में उसका फोर्थ पॉइंट हम अगर डिटेल समझेंगे तो एप्लीकेबिलिटी वाला पॉइंट फ्रेंड्स अगर डिस्कस करें. इंड एस 115 applies to all contract with customer to provide goods or services that are output of entity's ordinary course of business. मतलब ordinary course of business में जो है उसको ही consider करना है, बाकी करना नहीं है. In exchange for consideration, मतलब consideration भी कुछ होना चाहिए, free में दोगे तो उसको यहाँ पे consider नहीं करेंगे. अच्छा, यानी आपको लीज याद रखना पड़ेगा. Ind AS 115 is not applicable to, slogan याद रख लो friends, life का full form याद करवा दो. L मतलब लीज कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे इंड एस 17 एप्लीकेबल होगा. I मतलब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे इंड एस 104 एप्लीकेबल होगा. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब वहां पे F मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वहां पे इंड एस 109 एप्लीकेबल होगा. एंड द फोर्थ पॉइंट पहले एक बार रीड कर ले फ्रेंड्स, उसके बाद उसका डिटेल स्टडी करेंगे. नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस बिटवीन एंटिटीज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस टू फैसिलिटेट सेल्स. एज पर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू वेंडर्स, exchange of goods to fulfill the demand in stock out situation or in different location on a timely basis. Friends, do minute ke liye maan lo mera ek oil ka business and I am entity XYZ, mere hi ek area mein nahi par maan lo main yahan pe Ahmedabad mein kaam kar raha hu and koi ek Maharashtra mein, matlab main Gujarat mein, koi ek Maharashtra mein kaam kar raha hai and Maharashtra mein koi XYZ entity hai. ABC and XYZ dono ka business to kaun sa hai? To ka oil ka hi business hai. And agar dono ka maan lo business oil ka hi business hai to maan lo dono ne contract karke rakha hai ki sun le मैं गुजरात में हूं, मेरे क्लाइंट गुजरात में भी हो सकते हैं, मेरे क्लाइंट मान ले तो महाराष्ट्र में भी हो सकते हैं. मैं फुल ट्राई करूंगा कि अगर महाराष्ट्र वाले कस्टमर का ऑर्डर आए ना तो मैं ही यहां से फुलफिल कर दूंगा, मैं ट्रांसपोर्ट कर लूंगा. पर मान ले अगर मेरे पास गुजरात में डिमांड मेरे प्रोडक्ट की इतना ज्यादा है एंड मैं गुजरात की ही डिमांड फुलफिल नहीं कर रहा हूं एंड मान लो मेरे ही महाराष्ट्र वाले कस्टमर का मेरे पर ऑर्डर आया भाई आप मुझे सप्लाई करो, तो सुन लो मेरा एंड मेरे महाराष्ट्र वाले एक और जो सप्लायर था हम दोनों के बीच में अग्रीमेंट था. कौन सा अग्रीमेंट? सुन ले, मैं मैक्स ट्राई करूंगा कि मैं फुलफिल कर दूं, पर अगर मेरे से फुलफिल नहीं हुआ तो ऑन बिहाफ ऑफ मी तो डायरेक्टली मेरे कस्टमर का पास ऑन कर देगा. हम दोनों सिमिलर नेचर वाले बिजनेस में इन्वॉल्व है,
स्टॉकआउट सिचुएशन या कोई पर्टिकुलर क्लाइंट को टाइम पे डिलीवर चाहिए, इसीलिए हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था. दैट इज नथिंग बट नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज. अगर मैं उसको 1000 सप्लाई करूं, जब तक उसके क्लाइंट का मेरे वहां पे 1000 लीटर का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक मैं उसको बैर कर दूंगा, तो इसको हम कभी भी रेवेन्यू कंसिडर करने वाले नहीं है. ये जस्ट दोनों को फैसिलिटी मिले, दोनों लोग टाइमली डिलीवर कर पाए, दोनों लोग क्लाइंट को मैनेज कर पाए, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, बट विथ अ कंडीशन कि वो दोनों सेम लाइन ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए. अब मैं आपके सामने एक लाइव केस रख रहा हूं. हल्दीराम नाम सुना है, नमकीन का बिजनेस कर रहा है. नागपुर ने वो सेट जाओ तो हल्दीराम के बहुत सारे रेस्टोरेंट जैसा है. एंड मान लो उन लोगों का हल्दीराम के हर एक रेस्टोरेंट में उन लोगों का एक कॉन्ट्रैक्ट है कि वो लोग वहां पे रेडियो चालू करते हैं. मैक्सिमम कॉन्सेप्ट होगा रेडियो सिटी. एंड वहां पे जिस मोमेंट पर रेडियो सिटी चालू किया तो कहने से उनका फिक्स ही है, कोई भी जगह पे हमारा एस्टेब्लिशमेंट है, हम वहां पे जो बजाएंगे वो कौन सा बजाएंगे, रेडियो सिटी. जिस मोमेंट पे कहने से रेडियो सिटी चालू किया तो हल्दीराम में आने वाले कस्टमर को वो ऑटोमेटिकली वो रेडियो सिटी ही सुनने वाला है, बाकी कुछ सुनने वाला नहीं है. अने कहने से रेडियो, जिस मोमेंट पे वो हल्दीराम में आने वाले कस्टमर ने रेडियो सिटी सुनना स्टार्ट किया, उसका मतलब कहने से उन लोगों को वो भी पता चलने लगा कि रेडियो सिटी पे कौन कौन सी एडवर्टाइजमेंट आती है. हल्दीराम एंड रेडियो सिटी का एक अग्रीमेंट होगा. कौन सा अग्रीमेंट? कि हल्दीराम अपने जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो रेस्टोरेंट है, वहां पे जो म्यूजिक बजाएगा वो सिर्फ कौन सा बजाएगा, तो रेडियो सिटी का. उन लोगों ने रेडियो सिटी वालों को बोल भी दिया कि भाई तेरे वहां पे जितने भी एडवर्टाइजमेंट आता है तो दूसरे की एडवर्टाइजमेंट कर, हमको प्रॉब्लम नहीं है. प्रयास तू हमको मिनिमम इतनी एडवर्टाइजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करेगा. रीजन, हल्दीराम के हर एक सेंटर में, हर एक रेस्टोरेंट में, हर एक एस्टेब्लिशमेंट में जो रेडियो बजता है वो कौन सा बजता है, रेडियो सिटी वाला. तो रेडियो सिटी वाले ने बोला ठीक है, हम भी जो एडवर्टाइजमेंट करेंगे हम आपको मिनिमम इतनी एडवर्टाइजमेंट तो आपको फ्री में करके ही देंगे. रीजन, आप अगर हमारी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो हम आपकी एडवर्टाइजमेंट करके देंगे. माई क्वेश्चन इज वादर दिस सिचुएशन इज कवर्ड अंडर इंड एस 115. बहुत लोगों ने सोचा, आंसर ना बोल रहे, बट यस This situation is covered under Ind As 115. Reason bolu, Haldiram and Radio City, dono same line of business mein involved nahi hai. Dono alag alag hai. Haan, no doubt, jo service kar rahe, ek dusri ke advertisement kar rahe, dusra pehle wala ki. Haan, advertisement dono kar rahe, wo theek hai. But can I say, dono same line of business mein involved nahi hai. That is something but barter transaction jaisi kuch cheez hua, usko to 115 mein cover karege hi karege. Yahan pe maine specifically likh ke diya hai, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज बिटवीन द एंटिटीज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस टू फैसिलिटेट सेल्स. हाँ, कंडीशन कौन सा? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होना चाहिए एंड दो एंटिटी के बीच में, एंड वो दोनों एंटिटी कौन से होना चाहिए, सेम लाइन ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व होगा तो ही उसको कवर नहीं करेंगे, बाकी द फ्रेंड्स 110% कवर करेंगे. एप्लीकेबिलिटी फ्रेंड्स याद करवा दो, इंड एस 115 किसको एप्लीकेबल है? पहले किसको एप्लीकेबल है? हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो आप गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो अगेंस्ट कंसीडरेशन, ब्रो आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए. लाइफ को एप्लीकेबल नहीं होगा. लाइफ मतलब फ्रेंड्स व्हाट? एल मतलब आपका कौन सा? लीज कॉन्ट्रैक्ट, वहां पर इंड एस 17 एप्लीकेबल होगा. आई मतलब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे आपका 104 एप्लीकेबल होगा. एफ मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वहां पे आपका कौन सा एप्लीकेबल होगा? 109. एंड द लास्ट ई मतलब एक्सचेंज ऑफ द गुड्स और बिटवीन द एंटिटीज विच आर इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस. फोकस करना फ्रेंड्स, सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है तो ही उसको कवर नहीं करेगा, बाकी तो कवर कर ही लेगा. फ्रेंड्स, वी ऑलरेडी डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ इंड एस 115 एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी. लेट अस स्टार्ट सम बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंड एस 115. दैट इज समथिंग बट मैंने बोला था आपको देखना पड़ेगा हमको कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, वो सब कुछ एक एक करके देखना पड़ेगा. फर्स्ट डेफिनेशन, दैट इज समथिंग बट डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट? एन अग्रीमेंट between two or more parties that creates enforceable rights and obligation. किसी एक person के लिए right है तो किसी एक person के लिए obligation है. फ्रेंड्स, एक agreement होना चाहिए. It may be possible that agreement may be in oral or it may be a written or it may be implied. कि ये तो होना ही चाहिए. Like एक example दो, मान लो इंडिया में ऐसा माना जाता है कि जिस बंदे ने AC बेचा ना वो install करके ही देगा. इट्स इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये तो होगा ही होगा कि अगर मैंने AC लिया है तो मुझे उसको इंस्टॉलेशन के लिए पूछने की जरूरत नहीं है, वो इंस्टॉल करके ही देगा. दैट्स कॉल्ड द इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. मतलब अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट क्रिएट्स एन एनफोर्सेबल मतलब नॉन कैंसिलेबल, दोनों कुछ करने के लिए कैपेबल होना चाहिए. मतलब इस किसी एक के लिए राइट है तो किसी एक के लिए क्या होना चाहिए? ऑब्लिगेशन. दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. यस, हमारा एक 5-स्टेप मॉडल है, उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बहुत डिटेल स्टडी करने वाले, बट जस्ट द बेसिक डेफिनेशन मैंने बोल दिया कॉन्ट्रैक्ट. फ्रेंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टमर? कस्टमर मीन्स अ पार्टी दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड विथ एन एंटिटी
to obtain the goods or service that are an output of entities ordinary activities in exchange for consideration. Phasa, phir se kya bola hai? A party that is contracted with an entity to obtain goods or service that are an output of an entity's ordinary activities in exchange for the consideration. Friends, for Navkar Institute, who is the customer? Students are the customer. Reason, student ek party hai that is contracted with an entity to obtain goods or service. Aapne, students ne Navkar ke saath ek agreement kiya hai. Kiske liye? For an output of an entity's ordinary course of business. Matlab, Navkar ka ordinary course of business matlab kaun sa? To humko coaching dene ka. In exchange for consideration. Friends, aap free mein aate nahi ho na? Aap fees ka payment karte ho. Man, in exchange of consideration. But a good question. आपको सब मैं प्रेजेंट कर रहा हूं एंड आपको मुझे आंसर देना है कि एक्चुअली हु इज द कस्टमर. मान लो आई एम एन एक्स वाई जेड लिमिटेड. मैंने एक स्पेसिफिकली पर्सन को अपॉइंट किया है एंड वो पर्सन को अपॉइंट इसके लिए किया है कि वो कोई पर्टिकुलर एरिया में बैठेगा, जितने भी क्लाइंट का ऑर्डर आएगा वो ले लेगा, बाद में मुझे बोलेगा इतना ऑर्डर आया है, मैं उनको सप्लाई करूंगा एंड फाइनली दैट पर्सन इज ट्रांसफर डायरेक्टली टू द कस्टमर. उनको कुछ नहीं करने का, ऑर्डर आए तो लेने का, बाद में सप्लाई करने का, उसका कुछ रिस्क है ही नहीं. उनको ना तो इन्वेंटरी रखना है, चलो मान लो किसी को क्रेडिट सेल्स किया तो क्रेडिट सेल्स के भी रुपए ना आए तो उनको कुछ बैर करने की जरूरत नहीं है. मतलब बैड डेट उसको कुछ बैर करने की जरूरत नहीं है. तो सर वो बंदा क्या ट्रस्ट खोल के बैठा है, सेवा कर रहा है? आंसर इज नो. मैंने उनको बोला है तो जितने भी यूनिट सेल करेगा ना, पर यूनिट सेलिंग प्राइस का मैं तुझे 10% कमीशन दे दूंगा. मैं आपको कुछ फील लाना चाहता हूं, दैट पर्सन इज नथिंग बट For me, he is an agent. I am a principal. He is an agent. And directly third party ko sell karega. My question is, who is the customer? Whether my agent is a customer or that person is a, that third party is a customer. So my agent is a customer. Reason, sorry, that customer is a, jo third party hai, wo mere liye customer banne wala hai. Agent ko, customer kuch hone wala nahi hai. But sir, for agent, who is the customer? For agent, whether third party or me matlab principal. Situation again, I am repeat kar raha hu. Sabse pehle main bol du, I am an XYZ limited. Maine ek person ko appoint kiya. That person is an agent. Unka kaam ek hi hai, koi third party ka paas se order lene ka, mujhe bolne ka, main unko supply karunga. And wo person directly customer, directly third party ko de dega. For me, agent is not a customer. For me, directly third party is a customer. But my question is, For that agent, who is the customer? Whether principal or a third party? Soch ke dikhao. Definition, ek bar fir se present karo, aapko thoda idea hai. A party that is contracted with an entity to obtain goods or services that are an output of an entity's ordinary activities in exchange for consideration. Chalo, pehla question. Third party agent hai ki nahi hai? To check karo. A party that is contracted with an entity. Pehle itna socho. थर्ड पार्टी ने एजेंट के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है टू ऑब्टेन गुड्स और सर्विसेज दैट आर एन आउटपुट ऑफ एन एंटिटीज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. भाई एजेंट का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस गुड सेल करना है ही नहीं. एजेंट का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एजेंट जस्ट प्रिंसिपल को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, वो ही उनके लिए वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है. एजेंट का धंधा गुड सेल करने का नहीं है. एजेंट का मेन काम तो क्या है, मैं जो बोल रहा हूं उसके हिसाब से काम कर रहा है, तो मुझे बोलने दो. फॉर दैट एजेंट थर्ड पार्टी इज नॉट अ कस्टमर, फॉर एजेंट प्रिंसिपल इज द कस्टमर. ये ध्यान रखना है आपको, प्रिंसिपल के लिए डायरेक्टली थर्ड पार्टी कस्टमर होगा, पर फॉर एजेंट थर्ड पार्टी इज नॉट अ कस्टमर, फॉर एजेंट प्रिंसिपल इज द कस्टमर. रीजन, एजेंट को जो कंसिडरेशन मिलने वाला है वो थर्ड पार्टी के पास से मिलने वाला है कि मेरे पास, मैं मतलब प्रिंसिपल, तो मेरे पास से मिलने वाला है. तो फॉर एजेंट हु इज द कस्टमर, फॉर एजेंट प्रिंसिपल इज द कस्टमर. इतना ध्यान रखना है आपको, प्रिंसिपल के लिए थर्ड पार्टी, इन एजेंट के लिए प्रिंसिपल कस्टमर हो जाएगा. डेफिनेशन फ्रेंड्स अगेन रीड कर रहा हूं. अ कस्टमर इज अ पार्टी दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड विथ एन एंटिटी that is contracted with an entity to obtain goods or services that are an output of entity's ordinary activities in exchange for consideration. But kuch to consideration hona chahiye. That is nothing but contract, customer, and the last definition, that is nothing but income. Friends, introduction wale topic mein humne discuss kiya tha.
रेवेन्यू इज नथिंग बट इनकम फ्रॉम केयर, तो इनकम फ्रॉम एंटिटीज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, है ना, ऑर्डिनरी वाली एक्टिविटी होगा तो ही वो रेवेन्यू है, बाकी रेवेन्यू नहीं है. फ्रेंड्स, व्हाट इज द इनकम? बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ. डेफिनेशन देखो, बहुत बड़ी डेफिनेशन है, एक एक वर्ड दिल से लिखा है. इनकम इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, हाँ वो तो ही है, इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लोज, एनहांसमेंट ऑफ असेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी दैट रिजल्ट इन, दैट रिजल्ट इन, फ्रेंड्स कहां पे, एन इंक्रीज, रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द इक्विटी अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेंट्स. भयंकर लिखा, क्या लिखा है? इनकम इज द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ एनहांसमेंट ऑफ असेट और इनफ्लो और अ डिक्रीज इन द लायबिलिटी दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इक्विटी पार्टिसिपेंट्स. मतलब कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेंट्स को कंसिडर नहीं करेंगे. सुन लो फ्रेंड्स, नवकार का मेन काम स्टूडेंट्स को कोचिंग देना है. कोचिंग में से फीस मिले दैट इज अ रेवेन्यू, पर नवकार ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, वो इन्वेस्टमेंट में से इंटरेस्ट इनकम के डिविडेंड इनकम मिले, दैट इंटरेस्ट और डिविडेंड इज कंसिडर्ड एज इनकम एंड नॉट अ रेवेन्यू. नवकार अगर कोई फिक्स असेट, कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अगर सेल करे एंड उसमें से कुछ अर्न करे तो दैट अर्निंग इज नॉट अ रेवेन्यू, दैट अर्निंग इज कंसिडर्ड एज एन इनकम. हाँ, इतना ध्यान रखना पड़ेगा. कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए. कब मिलना चाहिए? इन द अकाउंटिंग पीरियड, इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लो, मतलब कैश का कुछ इनफ्लो हुआ. कैश का इनफ्लो नहीं होगा चलेगा, एनहांसमेंट ऑफ असेट. कोई बंदा बोल रहा है मैं आपको कैश नहीं दे रहा हूँ, मैं आपकी असेट दे रहा हूँ, मतलब नॉन मॉनेटरी जैसा कुछ एक्सचेंज हुआ तो भी चले. या डिक्रीज इन लायबिलिटी, कोई बंदा बोले चले काम करना, तुझे इस पर्सन को पेमेंट करना है ना, वो पेमेंट मत करना, मैं डायरेक्टली पेमेंट उसको जाके कर दूंगा, तो सिंपल मुझे वो लायबिलिटी का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है. डिक्रीज इन लायबिलिटी, इट मे बी पॉसिबल कोई पर्सन के पास से एडवांस मिला था ड्यू टू सम ब्रीच ऑफ कंडीशन, अब मुझे उसको गुड सप्लाई नहीं करना है तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर को कहां पर ट्रांसफर कर दोगे? पीएनएल में फाइनली ट्रांसफर कर दोगे. दैट ट्रांसफर ऑफ एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू, इट इज कंसिडर्ड एज एन इनकम. सुन लो अदर देन, अच्छा ये सबकी वजह से आपका इंक्रीज होना चाहिए क्या इक्विटी? सर ये तो डाउट है, इक्विटी कैसे इंक्रीज होगा? लॉजिक है ना दोस्त, जिस मोमेंट पे तो प्रॉफिट एंड लॉस का तेरा बैलेंस होता है वो फाइनली बैलेंस ट्रांसफर कहां पे करते हैं? अदर इक्विटी में. एंड अगर प्रॉफिट आया तो कहना चाहिए आपका प्रॉफिट तो बढ़ने ही वाला है ना, साथ में अदर इक्विटी का बैलेंस भी बढ़ेगा. पर अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेंट, अगर आपका इक्विटी शेयर होल्डर अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी वजह से अगर आपकी इक्विटी बढ़ रही है तो आपके लिए वो आपके इनकम नहीं होगा. मतलब अगर आपने कुछ शेयर कैपिटल इशू किया, कुछ राइट इशू किया एंड उसकी वजह से अगर आपका कुछ इक्विटी बढ़ रहा है तो आपके लिए इनकम कंसिडर नहीं करेगा. फिर अगर उसकी डिटेल डेफिनेशन चेक करें, इनकम इज नथिंग बट इंक्रीज इन द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लोस, एनहांसमेंट ऑफ असेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी that result in an increase in the equity other than contribution from the equity participants. Friends, हमने तीन definition देखा. One is a contract, second is a customer, and third is nothing but income. Friends, we already discussed some basic definition, that is nothing but customer, contract, and income. Let us now discuss the transition provision. Friends, what is the meaning of transition provision? हम आज तक Ind AS 11 and 18 follow करते थे. उससे पहले हम AS 7 and AS 9 follow करते थे. Now Ind AS 115. तो इंडेस 115 ने स्पेसिफिकली दो अप्रोच दे दिए. सबसे पहले बोल दो इंडेस 115 इज एप्लीकेबल फ्रॉम द 1st April 2018. इंडेस 115 ने सबसे पहले दो स्पेसिफिकली अप्रोच बोल दिए, दैट इज नथिंग बट अ फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच और द मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच? तो आज तक के जितने भी प्रायर पीरियड में आपने जितने भी इंडेस 11 एंड 8 के हिसाब 18 के हिसाब से जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था उसको हर एक को रिस्टेट करो. अगर वैसा नहीं करना है तो मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, मतलब रिस्टेट तो करना ही करना है, पर जितना भी जो चेंजेस आए वो चेंजेस डायरेक्टली आपको 1st April 2018 में कर देना है. ये सब कुछ कवर इंडेस 101 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन में डिटेल डिस्कशन होगा, पर अभी जस्ट एक बेसिक डिस्कशन कर ले. दैट इज समथिंग बट ट्रांजिशन प्रोविजन. इंडेस 115 इज एप्लीकेबल फ्रॉम द 1st April 2018. एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई द इंडेस 115 आइदर यूजिंग द फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, दैट इज रिस्टेट ऑल द प्रायर पीरियड एज पर इंडेस 8, एंड द मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, मतलब एन एंटिटी डज नॉट रिस्टेट
prior periods presented and cumulative effect is recognized in the opening written earning of the 1st April 2018. मतलब सबको रजिस्टर तो कर दोगे पर जितना भी चेंजेस आएगा उसको कहां पे एडजस्ट कर दोगे 1st April 2018 को. उसको डिटेल डिस्कशन 101 के टाइम करेंगे. फ्रेंड्स नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पार्ट 115 का चालू कर रहा हूं. इंड एस 115 फाइव स्टेप मॉडल पे चल रहा है. एक एक स्टेप डिटेल में डिस्कशन करना है. एक एक स्टेप खत्म करेंगे उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कर देंगे. पहले स्टेप से कुछ रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होने वाला है. थर्ड स्टेप में भी कुछ रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होने वाला है. अगर पांचों पांच स्टेप अगर आप फुलफिल कर दोगे तो ही रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे. तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कभी जल्दी मत करो. अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो फाइव स्टेप मॉडल सिखा रहा हूं. कौन से फाइव स्टेप? फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट. सेकंड इज आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. थर्ड इज नथिंग बट डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस. Fourth is nothing but allocation of transaction price. And the fifth is nothing but satisfaction of the performance obligation. पहले summary एक बार कर ले, बाद में detail discussion करेंगे. Contract को identify करो. उसके बाद performance obligation को identify करो. Transaction price determine करो. उसके बाद transaction price को allocate करो. And the fifth is nothing but recognize the revenue. अगर आपका performance obligation satisfaction हो रहा है. फ्रेंड्स हम इतना डिटेल डिस्कशन करने वाले आज तक जस्ट गुड सेल कर दिया, सर्विस प्रोवाइड कर लिया, उसको रिकॉर्ड करके खत्म करते थे. मैं आपको दो तीन हिट बता दूं. व्हाट यू बिलीव? आपने एक्टिवा लिया, आपने एसी लिया, आपने टीवी लिया, 50,000 की कोई चीज लिया मान लो, एंड सामने वाला बंदा आपको बोल रहा है कि मैं आपको 3 free सर्विस पूरे साल में प्रोवाइड करूंगा. वेदर इट इज एक्चुअली फ्री आई डाउट. कैन आई से वो 50,000 जो ले रहा है ना उसमें टीवी एसी एंड सबका प्राइस तो ले ही रहे एक्टिवा का. कहने से साथ में वो आपके पास क्या कर देता है, तो आपके पास ऑलरेडी वो जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है उसका भी कुछ अमाउंट तो ले ही लेता था. एस तो जिंदगी इजी थी. हाँ जब सेल करो रेवेन्यू रिकॉर्ड करो एंड अगर आपको सर्विस का खर्चा होने वाला है पर अमाउंट पता नहीं है तो उसका प्रोविजन कर दो. इंडेस बोल रहा है भाई कैसे पूरी पूरी रेवेन्यू आज से रिकॉर्ड करो. भाई जो 50,000 रुपए जो ले रहा है वो मान लो मैंने एक्टिवा परचेस किया वो एक्टिवा का नहीं है, वो तो एक्टिवा प्लस सर्विस का दोनों का ले रहा है. उन्होंने आज कुछ सर्विस दिया ही नहीं है, आज तो सिर्फ एक्टिवा ही दिया. तो कहने से मैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करूं वो तो कहने से एक्टिवा का ही करूंगा. व्हाई आई शुड रिकॉर्ड द रेवेन्यू फॉर द सर्विस जो एक्चुअली मुझे मिला ही नहीं है, उसको मैं आज से रिकॉर्ड क्यों करे सामने वाला? हाँ दैट क्वेश्चन आएगा. तो कहने से मैंने जो ट्रांजेक्शन प्राइस जो मुझे मिला है, जो 50,000 जो मुझे मिला है, वो कहने से कुछ ना कुछ अलोकेट करना पड़ेगा. समटाइम्स वेन यू परचेज सम गुड्स फ्रॉम अ मॉल, अगर मान लो आपने डीमार्ट में से या पेंटालून में से कुछ परचेस किया 1,000 रुपीज का, तो उन लोगों ने आपको 200 रुपीज की कूपन दिया. कूपन काम का कब होगा? अगर फ्यूचर में अगर आपने 1,000 का परचेस किया तो उन लोगों ने बोला कि हम आपको 200 की कूपन रिडीम करके देंगे. आज 100 जन परचेस करके गए. आई डाउट के फ्यूचर में कितने लोग अगेन आएंगे तो भी कूपन तो रिडीम तभी होने वाला है अगर उन लोगों ने 1,000 का परचेस किया. अच्छा ये सब कुछ एस्टिमेट कर, कहने से मैं आज 1,000 का सेल कर रहा हूं 1,000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दो तो कुछ गलत कर रहा हूं. रीजन मैं आज उसको 200 की जो फ्री में कूपन दे रहा हूं वो कहने से अगर फ्यूचर में अगर वो कूपन यूज करेगा 1,000 के गुड्स के सामने तो मुझे मिलने तो कितना वाला है, 800 ही मिलने वाला है ना. तो कहने से वो 200 को मैंने कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा. देर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज. ये सब कुछ हमको यहां पे कवर करना पड़ेगा. अगेन याद करो तो 5 स्टेप. कॉन्ट्रैक्ट जो कस्टमर के साथ किया उसको आइडेंटिफाई करो. परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करो. परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मतलब व्हाट, आपको जो काम करना है उसको आइडेंटिफाई करो. थर्ड जो रुपए क्या लेने वाले हो, इट मे बी मॉनेटरी इट मे बी नॉन मॉनेटरी. ट्रांजेक्शन प्राइस को आइडेंटिफाई करो. एक से ज्यादा कंपोनेंट है जो ट्रांजेक्शन प्राइस को एलोकेट भी करना पड़ेगा. स्टेप 5 इज नथिंग बट सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होना चाहिए. ये सब कुछ अगर कंडीशन फुलफिल हो गया तो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे. अभी भी फ्रेंड्स बोल रहा हूं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कब करने का वो अभी से मत पूछो. मैं आपको एक एक स्टेप करवाऊंगा. 5 स्टेप खत्म हो जाने दो, बाद आपको डिटेल पता चल जाएगा. क्लियर? एक बार रीड कर ले. 5 स्टेप मॉडल. फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर. आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस. अलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. रिकॉग्नाइज रेवेन्यू मैनर एज एन एंटिटी सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. रिपीट मार दे एक बार. आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर. Identify the performance obligation, define the transaction price, allocate the transaction price to the performance obligation, agar allocation ki zarurat hai to. And the last step, step 5, recognize revenue when or as an entity satisfy the performance obligation. Let us start step number 1, that is nothing but identifying the contract. Friends, contract identify karna padega. Contract kaise ho sakta hai? It may be written, or it may be oral, or it may be implied by customary business practices.
दो तीन एग्जाम्पल दे फ्रेंड्स. जब आपने नवकार में आप सीए फाइनल के लिए आए थे, नवकार में सीए फाइनल का जब इंक्वायरी किया ना, आपने जो भी फीस था वो फीस का पेमेंट किया, तो वहां पर आपको बोला था हम कोचिंग प्रोवाइड करेंगे. पर यस, ये बिजनेस की एक इम्प्लॉयड प्रैक्टिस है कि जिस मोमेंट पे अगर आपने, जिस स्टूडेंट्स ने ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, तो उनके पास से हम सेपरेट कोई एग्जामिनेशन फीस लेने वाले नहीं है. नवकार में हर संडे जितने भी आपकी एग्जाम्स कंडक्ट होती है वो तो आपको फ्री में मिलने ही वाला है. इट्स इंप्लाइड. उसके लिए ना तो कुछ अग्रीमेंट करोगे आप नवकार के साथ रिटर्न, ना तो आप नवकार के साथ उसके एडमिन डिपार्टमेंट के साथ ओरली एक बार बात कर लोगे कि भाई एग्जाम तो फ्री में ना. इट्स इंप्लाइड, ये तो होगा ही होगा. रिटर्न अग्रीमेंट तो कोई जरूरत ही नहीं है, फ्यूचर में मेरे पास एक प्रूफ है ओरल. एंड सबसे पहले देयर इज नथिंग बट इंप्लाइड बिजनेस प्रैक्टिसेस, ये वर्ड फोकस है. लाइक एग्जांपल दो, रेस्टोरेंट में गए तो वो लोग आपको खाना तो देंगे, पर खाने के साथ आपको सर्विस भी थोड़ा प्रोवाइड करने वाले ना. ऐसा थोड़ी है कि भाई लो आ जाओ यहाँ पे पड़ा है जो लेना है ले लो. आंसर इज नो. अगर आप रेस्टोरेंट में गए हो तो कहने से खाने के साथ आपको सर्विस फ्री में मिलेगा ही मिलेगा. हाँ, नो डाउट वो लोग जो प्राइस ले रहे हैं वो दोनों का ले रहे हैं, उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है. इट्स एन इम्प्लाइड बिजनेस प्रैक्टिस, ये तो होने ही वाला है. मान लो एसी के बिजनेस में ऐसा है कि जिस मोमेंट पर आपने कोई भी ये अपने शॉप में से एसी परचेस किया, तो बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपके वहां पे इंस्टॉल करने के लिए ही आएगा. एंड अगर ऐसा कुछ आया तो दैट्स कॉल्ड द इंप्लाइड बिजनेस प्रैक्टिस. मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसे होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिटन ओरल और इंप्लाइड बिजनेस प्रैक्टिसेस. कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट तभी होगा अगर 5 कंडीशंस फुलफिल कर दो. फ्रेंड्स अगेन मैं आपके लिए एक शॉर्ट फॉर्म लेके आयो, दैट इज समथिंग बट आपने लाइफ देखा था जो नॉन एप्लीकेबिलिटी के लिए. तो कैसे एक वर्ड आपको अगेन याद रखना है, बिकॉज बहुत सारी थियरी है तो शॉर्ट फॉर्म की जरूरत पड़ेगी. फ्रेंड्स आपको IRCTC आप जानते हो फॉर रेलवे, बस नाम थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ. दैट इज समथिंग बट ARCTC, अगेन आई रिपीट, IRCTC आप जानते हो, नाम थोड़ा मॉडिफाई करो, दैट इज समथिंग बट ARCTC आपको मुझे समझाना है कैसे होगा. ARCTC मतलब A4 कॉन्ट्रैक्ट का अप्रूवल चाहिए, अप्रूव्ड याद रखना. R मतलब राइट्स ईच पार्टी को पता होना चाहिए. C मतलब कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए ट्रांजेक्शन का. T मतलब टर्म्स ऑफ पेमेंट डिसाइड होना चाहिए. एंड C मतलब कलेक्शन की कुछ आपको रीजनेबल सर्टेनिटी होनी चाहिए. अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको ARCTC याद रखना है. ARCTC बेसिस मतलब व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट का अप्रूवल मिल जाना चाहिए, राइट्स ईच पार्टी को पता होना चाहिए, कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए ट्रांजेक्शन का, टर्म्स ऑफ पेमेंट दोनों पार्टी को पता होना चाहिए, एंड द फिफ्थ इज नथिंग बट कलेक्शन की सर्टेनिटी होनी चाहिए. हम एक एक चीज पहले एक बार रीड कर ले, उसके बाद डिटेल चेक करेंगे. तो एन अकाउंटिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ओनली व्हेन द फॉलोइंग 5 कंडीशंस आर मेट. फॉलोइंग 5 कंडीशंस लिखा है, मतलब हर एक 5 को जाना चाहिए, हर एक के बीच में और नहीं है, हर एक के बीच में एंड है. ARCTC याद रखोगे, IRCTC याद नहीं रखना है आपको, ARCTC याद रखना है. द पार्टी से अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब फर्स्ट कंडीशन में ए मतलब अप्रूव्ड. द एंटिटी कैन आइडेंटिफाई द ईच पार्टीज राइट्स एंड रिगार्डिंग द गुड्स और सर्विसेज टू बी ट्रांसफर्ड. सेकेंड में R मतलब राइट्स. द कॉन्ट्रैक्ट हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस, C मतलब कमर्शियल सब्सटेंस. The party can identify the payment terms, T matlab terms, and it is probable that an entity will collect the consideration, C matlab collection ka considerable aapko hona chahiye. Ha, sir, ek do din example le le. Navkar ka student ke sath contract hota hai. Jab aap fees ka payment karte ho to ek form bharte ho na, wo form mein sab kuch likha hota hai. The parties have approved the contract, matlab dono ka sign hona chahiye. Again, I am repeating, it's maybe oral, it may be aapka written hona chahiye, it may be implied. Entity can identify the each party's rights regarding goods or services to be transferred. As a vendor, मुझे पता होना चाहिए कि मुझे आपको कौन सा goods provide करना है, मुझे आपको कौन सी service provide करना है. सामने वालों को भी clearly होना ही चाहिए कि आप मुझे इतना चीज मिलने वाला है. सब कुछ खत्म हो जाए, like simple बोलो, आपने नवकार में coaching institute का fees भर दिया, तो यस उसमें ये include नहीं होता है कि ICA का जो भी exam fees होता है, ICA का जो registration fees होता है, वो आपको ही payment करना होता है, वो नवकार institute कभी भी नहीं करेगा. तो यस सामने वाले students को उसका rights पता होना चाहिए, हमको हमारा पता होना चाहिए कि हमको एक्चुअली क्या चीज़ प्रोवाइड करना है. एंड सामने वाला हम मान रहे कि वो अज्यूम ही कर रहा है कि ये चीज़ तो नवकार की फीस में कवर नहीं है, सेपरेट होगा. तो कॉन्ट्रैक्ट हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस, ये तो बहुत वर्ड पुराना है आपके लिए. फॉर अंडर इंड एस कमर्शियल सब्सटेंस मतलब व्हाट, ड्यू टू दैट ट्रांजेक्शन दोनों पार्टी के फ्यूचर कैश फ्लो में कुछ चेंज होना चाहिए, मतलब कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए. इफ ट्रांजेक्शन लेक्स कमर्शियल सब्सटेंस तो ऑब्वियसली 115 एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज ये ऐसा एक्सचेंज हुआ जिसकी वजह से किसी को फायदा नहीं है. पेमेंट टर्म्स क्लियरली आइडेंटिफाइबल दोनों पार्टी को होना चाहिए, लाइक वी इफ वी कोट द फीस फॉर द सीए फाइनल इज समथिंग अमाउंट एक्स, तो एक्स वन स्ट्रोक पेमेंट करना है.
इट मे बी पॉसिबल इफ यू आर चूजिंग द इंस्टॉलमेंट मेथड, तो कहना आपको एक्स नहीं देना पड़ेगा, एक्स प्लस थोड़ा इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ये सब कुछ पहले मोमेंट से आपको डिसाइडेड होना चाहिए, मतलब क्लियरली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए. एंड इट इज प्रोबेबल दैट एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन. इट मे बी पॉसिबल हमने आपको इंस्टॉलेशन का फैसिलिटी दिया, बट हमको इतना तो पता होना चाहिए कि सामने वाला स्टूडेंट हमको पूरे पर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देगा, मतलब हमको कलेक्शन के कुछ सर्टेनिटी होना चाहिए. चलो एक चेक कर ले, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाला कोई पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि आपको 1000 यूनिट्स आपको भेजना है, और उसका मान लो पीओ ऑर्डर भेज दिया, और मान लो एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, जिस मोमेंट पे आपने पीओ परचेस ऑर्डर जिस मोमेंट पे भेजते हो, तो परचेस ऑर्डर आपने दे दिया, आपने साइन करके भेजा, सामने वाला साइन करके दे दिया, मतलब इट्स अज्यूम कि दोनों पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव कर लिया. एंटिटी को पता होना चाहिए उसके राइट्स, मतलब एज अ सेलर मुझे पता है कि मुझे 1000 यूनिट्स इन अ पर्टिकुलर टाइम लिमिट सामने वाले को सेल करना है, सामने वाले को भी पता है कि 1000 यूनिट्स मुझे मिलने वाला है. अच्छा, इट मे बी पॉसिबल ट्रांसपोर्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है वो अंदर आइडेंटिफाई कर दो. कॉन्ट्रैक्ट इज ऑब्वियसली कमर्शियल सब्सटेंस, हम ऐसी चीज एक्सचेंज कर रहे हैं जिसकी वजह से कुछ कैश फ्लो में चेंज होगा. पेमेंट टर्म्स हम तो पता है कि लाइक उन्होंने समथिंग अमाउंट इन एडवांस दिया, समथिंग अमाउंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी देगा, एंड समथिंग अमाउंट आफ्टर वन मंथ देगा. मतलब पेमेंट टर्म्स क्लियर होना चाहिए. यस, जो पेमेंट जो एडवांस में मिल गया उसका टेंशन नहीं है, जिस मोमेंट पे डिलीवरी कर रहे हो उसका भी टेंशन नहीं है, और उसका जो पेमेंट मिले. पर अगर जो पेमेंट वन मंथ के बाद मिलने वाला उसका मुझे कलेक्शन की सर्टेनिटी प्रोबेबल होना चाहिए. पांचों पांच कंडीशन के बीच में फ्रेंड्स एंड है, मतलब पांचों पांच कंडीशन फुलफिल हो गया, तो यस मैं बोलूंगा ये पर्टिकुलर चीज कॉन्ट्रैक्ट है. एंड यस, अब रेवेन्यू रिकॉर्ड, अगर बाकी का चार स्टेप मेरा अगर हो जाए तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो. ए आर सी टी सी, अगेन आई एम रिपीटिंग, ए आर सी टी सी, अप्रूव करो कॉन्ट्रैक्ट को. राइट्स दोनों पार्टी को पता होना चाहिए, कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए, टर्म्स ऑफ पेमेंट पहले से फिक्स होना चाहिए, एंड द लास्ट कलेक्शन का सर्टेनिटी होना चाहिए. फ्रेंड्स शॉर्ट फॉर्म में आप रखो, इजीली हो जाएगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, एक बार उसकी थियरी रीड कर ले फ्रेंड्स. स्टेप वन, आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिटन ओरल और इम्प्लाइड बाय कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस. एन अकाउंटिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ओनली व्हेन फॉलोइंग फाइव कंडीशंस आर मेट. That is nothing but identifying the contract में A R C T C. A approval, the parties have approved the contract. R rights, the E entity can identify each party's rights regarding the goods or services to be transferred. C commercial substance, the contract has a commercial substance. T terms of payment, an entity can identify the payment terms. C considerable collection, it is probable that the entity will collect the consideration. ये पांच स्टेप अगर फुलफिल हो गया तो ये पर्टिकुलर चीज आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट है. बाकी के चार स्टेप अगर फुलफिल कर रहे हो तो 110% उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो. फ्रेंड्स, वी ऑलरेडी डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंड एस 115, एंड वी ऑल्सो डिस्कस द फाइव स्टेप मॉडल. व्हाट आर द फाइव स्टेप मॉडल? फर्स्ट ऑफ ऑल, द आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर. Second is nothing but identify the performance obligation. Third is nothing but identify the transaction price. Fourth is nothing but allocation of transaction price. And fifth is nothing but satisfaction of the performance obligation. ये पांचों पांच स्टेप अगर फुलफिल कर देता है तो यस, आपका एंटिटीज फ्रेंड्स रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकता है. हम स्टेप वन में थे. What is step one? That is nothing but identify the contract with customers. And friends, उसमें मैंने आपको एक formula याद रखने के लिए बोला था. That is nothing but ARCTC. हम normally जो ARCTC बोलते हैं उसकी जगह पे ARCTC. Friends, what is the meaning of ARCTC? A is nothing but contract approval मिल जाना चाहिए. Approval of contract. R is nothing but rights दोनों पार्टी को पता होना चाहिए. C is nothing but commercial substance होना चाहिए transaction का. And the T is nothing but terms of the payment decided होना चाहिए. And final last वाला C is nothing but collection का certainty होना चाहिए. ये पांचों पांच condition fulfill हो जाता है तो मैं ये बोल दूंगा कि ये valid contract है. And कहने से मैंने वहाँ पे आपको बोला था contract can be written, can be oral, it may be implied contract. मतलब customary business practice से आपको पता चलता है तो ऐसा contract भी हो सकता है. तो हम अभी भी step one में ही है. हमने स्टेप वन के रिलेटेड अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, बिकॉज एक टॉपिक छोटा सा बाकी है, दैट इज समथिंग बट कंबाइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. फ्रेंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबाइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? मैंने कोई कस्टमर को कुछ गुड सेल करने की बात किया, एक मशीन में सेल कर रहा हूं. मशीन में एक मशीन नहीं है, वो पूरी एक असेंबली लाइन है, मतलब एक से ज्यादा मशीन है, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी. मैंने मेरे क्लाइंट के साथ जो अग्रीमेंट किया है वहां पे मैंने बोला है कि मशीन ए भी मिलेगा, मशीन बी भी मिलेगा, मशीन सी भी मिलेगा, एंड फाइनली मैं आपको जो फिनिश गुड्स बेचने वाला हूँ वो एक्चुअली क्या बेचने वाला हूँ, तो तीनों तीन को कंबाइन करके एक असेंबली लाइन बेचने वाला हूँ. एक ही पार्टी के साथ अगर आप एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट, फॉर फाइनल फिनिश गुड्स वो एक ही है, तो उसको अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, उसको कंबाइन कर दो. फ्रेंड्स, ये टॉपिक आई थिंक आपके लिए नया नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी आपने डिस्कस किया था एट इंटर लेवल AS7 में,
कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी दो टॉपिक वहां पे दिए थे, दैट इज नथिंग बट कंबाइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकंड इज नथिंग बट सेगमेंटिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. मैं आप आपको करवा रहा हूं, दैट इज नथिंग बट कंबाइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तीन सिचुएशन में आप आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन कर सकते हो, दैट इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्टर्स नेगोशिएटेड एट फॉर अ सिंगल पैकेज. मतलब मैंने एक ही कस्टमर के साथ सेम टाइम पे कुछ एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया ना, जहां पर फिनिश गुड्स एक ही है, तो इन दैट सिचुएशन मैं अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं उसको कंबाइन कर दूंगा. सेकंड चीज, अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर द वन कॉन्ट्रैक्ट इट्स डिपेंड्स ऑन द अनदर कॉन्ट्रैक्ट. अगर ऐसा भी कुछ है तो भी उसको कंबाइन कर सकते हो. एंड दैट इज नथिंग बट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आपको चेक कर देने का हर एक के लिए. मतलब ये तीन कंडीशन अगर फुलफिल हो जाता है तो मैं 110% आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन कर सकता हूँ. ये जस्ट एक थियोरेटिकल पॉइंट है, तो फ्रेंड्स अगर डिस्कस करें, दैट इज नथिंग बट कंबाइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स. इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, देन टू और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी कंबाइंड. द कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेगोशिएटेड इन अ सिंगल पैकेज, द अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन पेड इन द वन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन अनदर कॉन्ट्रैक्ट, एंड द गुड्स और सर्विस प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट्स आर अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. तीन सिचुएशन अगेन रिपीट कर रहा हूं. कॉन्ट्रैक्ट का नेगोशिएटेड एज अ सिंगल पैकेज होना चाहिए, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इज डिपेंड्स ऑन द अनदर कॉन्ट्रैक्ट, एंड द गुड्स और सर्विस प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट आर अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. वो आपका एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, वो आपको चेक कर लेने का. बट फ्रेंड्स हमने पॉइंट नंबर वन में आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर में क्या क्या देगा, तो वो कस्टम कॉन्ट्रैक्ट के 5 पॉइंट दिए ARCTC वाले, कंबाइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देगा. नाउ लेट अस डिस्कस दैट इज नथिंग बट द मॉडिफिकेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट. काम चालू हो गया है, बीच में से फ्रेंड्स आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट की टर्म को मॉडिफाई कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म को मॉडिफाई कर रहे हो. मैं जब बोल रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट की टर्म को मॉडिफाई कर रहे हो, दैट मॉडिफिकेशन इट मे बी पॉसिबल कुछ प्राइस की वजह से होगा, इट मे बी पॉसिबल कुछ स्कोप चेंज हुआ, और इट मे बी पॉसिबल दोनों चीज चेंज हुआ, मतलब प्राइस एंड स्कोप. फ्रेंड्स मॉडिफिकेशन के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिकली एक चार्ट है, इतना ध्यान रखने का, ड्यू टू मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो कुछ एडिशन होने वाला है वो डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज है. डिस्टिंक्ट मतलब कुछ अलग है. आंसर इज नो, इट इज नॉट अ डिस्टिंक्ट, तो उसको कंसिडर कर लेने का पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट. मैं जस्ट अभी थियोरिकल करवा रहा हूं, उसको प्रैक्टिकल में डील कर रहे हैं. इफ दे आर द डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज, देन चेक डज द कंसिडरेशन इंक्रीज बाय स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द एडिशनल गुड्स. मतलब जो आपका कंसिडरेशन है उसकी जो एडिशनल गुड्स के लिए जो कंसिडरेशन है वो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है. If yes, then consider as a separate contract. If no, then terminate the old contract and consider a new contract. Again, I am repeating. सबसे पहले check करो whether it is a distinct goods or services. Answer is no. So it's a part of existing contract. Answer is yes. Then let us check. Does the consideration increase? Increase होना चाहिए. Decrease की यहाँ पे कुछ नहीं बोला है. Does the consideration increase by standalone selling price of the additional goods? Answer is yes. So consider as a separate contract. If answer is no, वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो टर्मिनेट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसीडर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट. ये आपको चेक करना पड़ेगा. फ्रेंड्स एक प्रॉपर चेक करें, मैंने कोई पार्टी को 1000 गुड्स का मैंने एक ऑर्डर लिया, एंड मैंने बोला कि 1000 गुड्स मैं आपको 100 रुपए में बेच दूंगा. मतलब कहना सर माई कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ 100000 रुपीज एंड गुड्स ऑफ 1000 यूनिट्स. 1000 मैंने 500 यूनिट ऑलरेडी सप्लाई कर दिया उन लोगों को. मतलब कहना सर मेरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फॉर रिमेनिंग 500 बाकी है. उन्होंने बोला कि 1000 का तो कॉन्ट्रैक्ट है ही है, हम आपको 250 का और कॉन्ट्रैक्ट देते हैं. इन द सेंस मुझे टोटल 1000 नहीं देना है, मुझे टोटल 500 प्लस 250 750 भी नहीं देना है. मुझे तो जो ओरिजिनल 1000 की बात हुई थी वो 1000 को दूंगा ही दूंगा, प्लस मैं 250 एडिशनल दूंगा. मतलब कहने से मेरा कॉन्ट्रैक्ट कुछ मॉडिफाई हुआ बीच में से. किस में मॉडिफाई हुआ? प्राइस भी चेंज होगा, स्कोप भी चेंज होगा, मतलब दोनों चेंज हुआ. मैंने बोला मैं 250 का प्राइस बोलो, तो 1000 जो था ना वो 100 रुपए वाला था, तो उन्होंने बोला कि जो नए वाले जो 250 सप्लाई करोगे ना फ्रेंड्स, वो 250 हम आपके पास से सिर्फ 80 में ही लेंगे. मैंने बोला ठीक है. कंडीशन चेक करो, डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज. डिस्टिंक्ट मतलब व्हाट? बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलत समझते हैं, सर पहले भी जो यूनिट बेच रहे थे वही ये यूनिट है ना? हाँ वही है, पर तो भी डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज. व्हाई? मैं जब वर्ड यूज कर रहा हूँ डिस्टिंक्ट, अलग मतलब कौन सा? जो कॉन्ट्रैक्ट में पहले से स्पेसिफिकली नहीं बोला था उससे अलग. मतलब कहने से आपको उसका नेचर मेचर चेक नहीं करना है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब जो ओरिजिनली डिस्कस हुआ था वही कंटिन्यू हो रहा है, तो वो डिस्टिंक्ट नहीं है. पर ये तो कुछ नए कुछ गुड्स की बात है, मतलब नो डाउट वो नेचर तो सेम ही है. मतलब मैं अगर पार्ले जी के बिस्किट पहले 1000 यूनिट बेच रहा था, अब 250 नए का आया, तो ये डिस्टिंक्ट हुआ. रीजन, पहले कॉन्ट्रैक्ट में 1000 ही बोला था, ये 250 वाला चीज नया ही है, मतलब उसको ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के साथ कुछ लेना देना नहीं था.
मतलब मैं उसका नेचर, उसका फॉर्म, उसका पैकेज, वो सब कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूं. मैं डिस्टिंक्ट जो बोल रहा हूं, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं था, उसके बाहर का कुछ है, उसको मैं डिस्टिंक्ट बोल रहा हूं. यस, पहले 1000 जो बोला था, ये 250 वाला नया है. मतलब दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज स्पेसिफिकली फॉर डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज. मतलब आपकी कंडीशन फ्लो शेड करो, डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज है, आंसर इज यस. चेक करो, डज द कंसिडरेशन इंक्रीज बाय स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ एडिशनल गुड्स? यस, 250 वाला जो है वो उसके लिए कहने से 80 रुपीज एक स्टैंड अलोन है. तो अगर वो एक्चुअली इंक्रीज हो रहा है तो उसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ही मान लेने का. पर अगर उसका प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा है, स्टैंड अलोन प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो टर्मिनेट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड द क्रिएट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट. बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे पास एग्जांपल है, तो मॉडिफिकेशन के बारे में फ्रेंड्स आपको चेक करना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स अगर मॉडिफिकेशन के बारे में अगर स्पेसिफिक उसकी थियरी चेक करें तो इट रिप्रेजेंट्स अ चेंज इन द प्राइस, स्कोप और बोथ. इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द बोथ पार्टीज. द मॉडिफिकेशन इज ट्रीटेड एज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इफ बोथ स्कोप और प्राइस चेंजेस. Otherwise, is treated as a part of the existing contract. Chart check kar de ek bar. Distinct goods or services. If answer is no, then it is a part of the existing contract. If answer is yes, does the consideration increase by standalone selling price of the additional goods? If answer is yes, to consider the separate contract. If answer is no, then termination of the old contract and the creation of a new contract. तो identify the contract with customer. My friends, याद करो, हमने वो पहले ARCTC वाला देखा था. बाद में कंबाइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला देखा एंड फाइनली मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन के रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं. हम हमारी बुक में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसके बारे में सॉल्व करने वाले हैं. फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम आवर मटेरियल. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग दैट क्वेश्चन. न्यूवे लिमिटेड डिसाइड्स टू एंटर ए न्यू मार्केट दैट इज करंटली एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक डिफिकल्टी एंड एक्सपेक्ट्स दैट इन द फ्यूचर इकोनॉमी विल इंप्रूव. Newway enters into an agreement with a customer in the new region for networking product for a promise consideration of 12,50,000. At contract inception, Newway expects that it may not be able to collect the full amount from the customer. Determine how Newway will recognize this transaction. Friends, this question is based on the Ind AS 115. Question ke pehle line mein likha hai, Newway Limited is enters into a contract. मतलब एक क्लाइंट के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर किसके लिए, तो नेटवर्किंग ऑफ द प्रोडक्ट्स के लिए. मतलब कुछ आपको मार्केटिंग करके देना पड़ेगा. पर वो जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री आज इकोनॉमिक डिफिकल्टी फेस कर रहा है, पर यस एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में वो इंप्रूव हो जाएगा. जिस मोमेंट पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उस मोमेंट पे ही एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन हमको डाउट था कि 12,50,000 का जो हमारा कंसिडरेशन है वो एक्चुअली कंसिडरेशन रिसीव होगा कि नहीं होगा. फ्रेंड्स, ARCTC याद करो आपको, कॉन्ट्रैक्ट का अप्रूवल मिल जाना चाहिए, राइट्स दोनों पार्टी को पता होना चाहिए, कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए ट्रांजेक्शन का, उसके बाद आपको पेमेंट टर्म्स दोनों पार्टी को पता होना चाहिए एंड फाइनली दैट इज समथिंग बट कलेक्शन की सर्टेनिटी होना चाहिए. यहाँ पे कहना से जिस मोमेंट पे मैं कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन कर रहा हूँ उसी मोमेंट पे मुझे कलेक्शन को रिसीव करने के, मतलब अमाउंट रिसीव करने का एक डाउट था. तो यस, इन दैट सिचुएशन आपको कुछ रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं. बट इफ इट इज अ प्रोबेबल कि आप इन द फ्यूचर वो अमाउंट को रिसीव कर ही लोगे, तो 110% पूरे पूरे 12,50,000 का इनकम आप रिकॉर्ड कर सकते हो. Yes, this is nothing but totally depends on the collection. तो आपको चेक करना पड़ेगा. Assuming the contract meets the other criteria covered within the scope of the model in Ind AS 115, Newway needs to assess whether the collectability is probable. In making this assessment, Newway considers whether the customer has the ability and intent to pay the estimated transaction price, which may be an amount less than the contracted price. मतलब यस, 110% Newway Limited को एक बार चेक कर लेना पड़ेगा कि सामने वाला क्लाइंट कैपेबल है कि नहीं है. इफ ही इज अ कैपेबल, 110% आप उसकी इनकम रिकॉर्ड कर सकते हो. फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम आवर मटेरियल. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. अ जिम्नेशियम एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू मेंबर टू प्रोवाइड एक्सेस टू इट्स जिम फॉर अ 12 मंथ पीरियड एट ₹4,500 पर मंथ. Member can cancel his or her membership without penalty after 3 months. Specify the contract term. Achha. Gymnasium enters into contract with a new member to provide a gym service to its client for 12 months per month. Per month price is nothing but 4,500.
सामने वाला क्लाइंट कभी भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, बट विद अ प्रायर नोटिस ऑफ 3 मंथ्स. मतलब कहना है वो 3 महीने तक तो उनको आना ही पड़ेगा. स्पेसिफिकली पूछा एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन, कहना से मुझे इतना तो कंफर्म पता ही है कि सामने वाला बंदा 4,500 rupees पर मंथ इंटू 3 मंथ्स के लिए मुझे 12,500 का तो 13,500 का तो पेमेंट करना ही है. आपको क्वेश्चन इतना ही पूछा है व्हाट इज योर कॉन्ट्रैक्ट टर्म, इन दैट क्वेश्चन योर कॉन्ट्रैक्ट टर्म इज नथिंग बट ओनली 3 मंथ्स. ओके, तो अगर आंसर चेक करें, enforceable rights and obligation of this contract are for 3 months and therefore the contract term is 3 months. enforceable rights kitne months ka tha, sirf 3 mahine ka, 3 mahine ke baad wo continue kare ke na kare wo hamare haath mein nahi hai, but 3 mahine specifically contract mein likh ke diya hai to unko continue karna hi padega. So what is my contract term? My contract term is only 3 months. Okay friends, let us discuss question number 3 from our material. First of all, I'm reading the question. Manufacturer of the airplanes for the Air Force negotiates a contract to design and manufacture the new fighter planes for a Kashmir Airbase. At the same meeting, the manufacturer has entered into separate contract to supply parts for the existing planes at other bases. Would these contracts be combined? Okay. Plane manufacturing company hai. Unhone Air Force ke saath ek negotiate kiya for design and manufacture of a plane for a Kashmir Airbase. Kashmir ke liye specifically plane banane ka order diya. उसी क्लाइंट के साथ उन्होंने कुछ बाकी के प्लेन्स के स्पेयर पार्ट्स का एक कॉन्ट्रैक्ट किया. क्वेश्चन इज वेदर दैट बोथ कॉन्ट्रैक्ट इज कंबाइंड. आंसर इज नो. रीजन 3 कंडीशन थी फ्रेंड्स, याद करवा दो. सबसे फर्स्ट कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट इज नेगोशिएटेड सिंगल पैकेज, जो यहाँ पे नहीं है. सेकेंड चीज, आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट का वन प्राइस होगा दैट इज डिपेंड्स ऑन द अनदर. ये दोनों का कोई लेना देना नहीं है. काश्मीर एयरबस वाला अलग से, बाकी स्पेयर पार्ट्स वाला अलग से. एंड द थर्ड इज, दोनों कॉन्ट्रैक्ट का सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होना चाहिए. यहाँ पे ऐसा भी नहीं है दोनों का सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है. तो 3 में से अगर एक भी कंडीशन अगर फ्रेंड्स मेरी फुलफिल नहीं हो रहा है, तो कहने से मुझे कॉन्ट्रैक्ट का कुछ कंबाइन करने की जरूरत नहीं है. दोनों कॉन्ट्रैक्ट को मैं सेपरेटली डील करूंगा एंड उसके हिसाब से हम कंसिडर करेंगे. तो फ्रेंड्स अगर चेक करेगा आंसर उसका, कॉन्ट्रैक्ट्स वर नेगोशिएटेड एट द सेम टाइम बट दे अपीयर टू हैव सेपरेट कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स. मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर. And the planes and the parts are not a single performance obligation. Therefore, contracts for supply of the fighter planes and the supply of the parts shall not be combined. And instead, they shall be accounted separately. But उनको separately ही deal करेंगे. उसको कुछ combine करने की जरूरत नहीं है. Reason, combining of the contract की जो 3 condition थी, 3 में से एक भी condition यहाँ पे fulfill हुआ नहीं है. First, let us discuss question number 4 from our material. That is the thing. But an entity promised to sell 120 products to a customer. For rupees 1,20,000, that is rupees 1,000 per product. The products are transferred to the customer over a 6-month period. The entity transferred control of the product at a point in time. After the entity has transferred the control of 60 products to the customer, the contract is modified to require a delivery of an additional 30 products. A contract of rupees 150 identical products to the customer at a price of rupees 950 per product, which is the standalone selling price for such additional product at the time of placing this additional order. The additional 30 products were not included in the initial contract. Wo pehle bataya hi nahi tha. It is assumed that additional products are contracted for a price that reflects the standalone selling price. Determine the accounting, the modification of the contract. Friends, question dekh ke pata chalna chahiye ki aapka contract modify hua hai. Friends, modify kaise? पहले 120 यूनिट की बात थी, 1,000 रुपए के हिसाब से, मतलब 1,20,000 का सेल की कुछ बात थी. 60 प्रोडक्ट्स मैंने बेच दिए, उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको एडिशनल 30 देना पड़ेगा. क्वेश्चन फ्रेंड्स दिल से समझना, 60 प्लस 30 की बात नहीं है. हमारा जो 120 का कॉन्ट्रैक्ट था वो 120 के तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से दोगे ही दोगे, प्लस फ्रेंड्स एडिशनल 30 दोगे. इन द सेंस यू आर पेइंग 120 तो ऑलरेडी जो था, प्लस 30 तो 150. फ्रेंड्स चार्ट याद करवाना है मुझे. सबसे पहले चेक करो वेदर इट इज अ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज. मैंने अभी भी बोला था, उस टाइम भी बोला था, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग है पर अलग इन द फॉर्म ऑफ नेचर. ऐसा नहीं समझना है, कॉन्ट्रैक्ट में जो डिसाइडेड नहीं था उसका कुछ बाहर का है. तो आंसर इज यस, कॉन्ट्रैक्ट में पहले 120 का ही बोला था, इसमें 30 बट डिस्टिंक्ट था. इफ इट इज अ डिस्टिंक्ट द चेक करो वेदर जो उनका एडिशनल गुड्स का जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है उनकी वजह से आपका कंसिडरेशन इंक्रीज हो रहा है. तो यस, स्पेसिफिकली बोला 30 यूनिट्स के लिए मैं हम आपको 950 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. एंड इफ आंसर इज यस, तो हमारा सिंपल वो फ्लो चार्ट बोल रहा था क्या, टर्मिनेट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड द क्रिएशन ऑफ द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, उसके हिसाब से आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा. फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. अगर मैं उसका आंसर फ्रेंड्स चेक करूँ तो कैसे होगा, वेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड, the price of the contract modification for the additional 30
product is an additional ₹28,500 or the 950 per product. The pricing for the additional product reflects the standalone selling price of the product at the time of the contract modification, and the additional products are distinct from the original products. Accordingly, the contract modification for the additional 30 product is in effect a new and the separate contract for the future product that does not affect the accounting for the existing contract, and the 950 per product for for 30 products is the new contract. Matlab, friends, ek cheez bol do, hume ye kya hai, to 30 products hai, wo 30 products ke liye, can I say, aapka jo price hai, wo fair value hai, and agar price hai, wo fair value hai, to simple, usko existing contract ka kuch touch karne ke jarurat nahi hai, pure pure ko new contract man ke hi aage chalne ka. Let us first discuss question number 5 from our material. First of all, I am reading that question. On 1st April 2011, KLC Limited enters into a contract with a Mr. K to provide a machine for ₹2.5 million. 1 year of maintenance service for ₹55,000 per month. On 1st October 2011, KLC Limited and Mr. K agreed to modify the contract to reduce the amount of service from ₹55,000 per month to ₹45,000 per month. Determine the effect of the change in the contract. That's one of the good question. Make machine bech raha hu 2.5 million ka. The 2.5 million ka jis moment pe maine machine bechu usi moment pe at a point of time mera performance obligation khatam ho gaya. And agar mera performance obligation khatam ho gaya to 2.5 million ki income to usi moment pe record kar hi doga. Main unke sath ek 1 year maintenance ka contract kar raha hu. That's a separate contract, sale of machine and the maintenance. Usko kuch combining karne ki zarurat nahi hai. And hamari baat hui thi ki ₹55,000 per month. ₹55,000 per month ki baat thi, 6 mahine khatam ho gaye, and uske baad wo log bol rahe ki it's not a 55,000, it's a ₹45,000 per month. Can I say it's nothing but just the modification of the contract? Distinct goods or services? Answer is yes. Uske baad mein jo bol raha tha, whether aapka consideration due to that change, due to that modification, increase ho raha hai. If answer is yes, to usko consider as a separate contract karte the, but if answer is no, तो उसको हम क्या करते थे, टर्मिनेशन ऑफ द ओल्ड एंड द क्रिएशन ऑफ द न्यू कॉन्ट्रैक्ट. कैन आई सी, यहां पे भी ऐसा ही है. 1st अक्टूबर के बाद जो मैं उन लोगों को मेंटेनेंस सर्विस देने वाला हूं, उसका प्राइस उन लोगों ने बोला ₹55,000 पर मंथ नहीं रहेगा, उसका प्राइस रहेगा ₹45,000. मतलब इट इज नॉट अ इंक्रीज इन स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, इट इज जस्ट अ डिक्रीज. एंड इफ इट्स अ डिक्रीज, मतलब कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ ना, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको जो टर्मिनेट ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड द क्रिएशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ₹55,000 छह महीने के तक बुक करो, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, दैट्स अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट ₹45,000 वाला, ₹45,000 × 6, आपको ₹2,70,000 का इनकम उसके हिसाब से रिकॉर्ड करना पड़ेगा. उसको जो आगे गया जो कॉन्ट्रैक्ट ₹55,000 × 6, ₹330 का जो आपने इनकम बुक रिकॉर्ड किया था, उस पर कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है. गुड क्वेश्चन फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उसका आंसर एड कर रहा हूँ. द नेक्स्ट 6 months ऑफ द सर्विस are distinct from the services provided in the first 6 months before modification in the contract. Therefore, KLC Limited will account for the contract modification as if it were a termination of the existing contract and the creation of the new contract. Consideration allocated to remaining performance obligation is ₹2,70,000, which is the sum of the consideration promised by the customer that was included in the estimation of the transaction price and has not yet recognized as revenue. This amount is zero. The consideration promised as a part of the contract modification, that is ₹2,70,000. Let us discuss the new question, that is nothing but question number 6 from our material. Again, I am reading that question. Growth Limited enters into an agreement with a customer for infrastructure outsourcing deal. Based on the experience, Growth Limited determines that customizing the infrastructure will take approximately 200 hours in the total to complete the project and charges ₹150 per hour. After incurring 100 hours of time, Growth Limited and the customer agree to change an aspect of the project and increase the estimate of the labor hours by 50 hours at the rate of ₹100 per hour. Determine how the contract modification will be accounted as per Ind As 115. Friends, क्या हुआ था? 200 घंटे हमने record किए थे. 200 घंटे का contract था ना, per घंटे हमारा कहने से ₹150 का बात हुई थी. 100 hours खत्म होने के बाद, 100 hours खत्म होने के बाद उन्होंने कुछ additional hours बोले. And वो additional hours कितने बोले? तो 50 hours. There is a distinct goods or services. Answer is yes. This is a distinct goods or services. उसके वजह से आपका revenue में कुछ additional increase हो रहा है. Answer is yes. And increase हो रहा है.
तो आपको क्या करना था, इंक्रीज हो रहा है तो उसको कहना था पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर करके उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स अगर उसका डिटेल चेक करें, कंसिडरिंग द रिमेनिंग गुड्स और सर्विसेज आर नॉट डिस्टिंक्ट, द मॉडिफिकेशन विल बी अकाउंटेड फॉर ऑन अ क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस एज गिवन बिलो। मतलब फ्रेंड्स व्हाट, आपने इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट अग्री किया था 200 इंटू 150, मतलब कहने से वहां पे आपकी जो इनकम होगा वो फ्रेंड्स कितने रुपए की इनकम होगा, 30,000। मॉडिफिकेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट को आप 50 घंटे का, 50 घंटे इंटू 100 रुपए तो 5,000। सिंपल बोलो आपका 250 घंटे की इनकम होनी चाहिए कितना, 35,000। फिर उसमें से कहने से आपने 100 घंटे प्रोवाइड कर दिए, 250 घंटे की इनकम 35,000 होना चाहिए, उसका मतलब पर आवर आपका इनकम होना चाहिए 140 कैसे है, 35,000 डिवाइडेड बाय 250 100 घंटे का 140 के हिसाब से आपको 14,000 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़े। पर फ्रेंड्स हमने ऑलरेडी कितना बुक कर दिया था, 100 घंटे का 150 के हिसाब से हमने 15,000 ऑलरेडी एडजस्ट कर दिए थे, तो आपको रेवेन्यू एडजस्ट करना पड़ेगा 1,000 रुपये से, मतलब 14,000 रुपये रिकॉर्ड करना था, पर फ्रेंड्स आपने 15,000 ही रिकॉर्ड कर दिया था, मतलब आपने 1,000 रुपये ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए, अगर 1,000 ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए तो उसको एडजस्ट कर देना पड़ेगा। फ्रेंड्स वी ऑलरेडी डिस्कस देयर आर 5-स्टेप मॉडल। Step 1 is nothing but the identifying the contract. Step 2 is nothing but identifying the performance obligation. Step 3 is nothing but calculate the transaction price. Step 4 is nothing but allocation of transaction price. And step 5 is nothing but satisfaction of the performance obligation. We already discussed the step 1 and the related questions of step 1. Let us now discuss that is nothing but step 2, identifying the performance obligation. Friends, as per Ind As 115, what is the meaning of performance obligation? Performance obligation is nothing but just a promise. Ek promise hai. For what? To transfer to a customer. Kya? Any goods or services that are distinct or a series of a goods or services that are substantially the same. Again, I am repeating. Performance obligation is nothing but just the promise by a vendor to a customer to transfer goods or services that are distinct or goods or services that are substantially the same. There is a series of goods or services. Like one example, if I am constructing a building, then can I say actually I am providing the various services like architect services, like construction services, like for furniture. But I, agar assume kar lo, maine sabke liye agar ek hi contract kiya hai, to simple, maine jo customer ke sath contract kiya hai, that is a promise to transfer a goods or services that are distinct. But it may be possible. One telecom service provider is providing a service to a customer that are substantially the same. Manabha, this is not just a one point of service, that's a series of a service. Bahut easy topic is, actually kuch detail nahi hai. Question bahut acha hai. Control of the asset. Under Ind AS 115, revenue should be recognized when the customer obtains the control of the asset. And my friends, what is the meaning of control? Control would be the generally the following. Entity ke ek pas right hai. Kiska right for a payment? And customer has an obligation for that asset. Matlab, entity ka service khatam ho gaya hai, uske baad usko kuch payment mil jana chahiye, and customer ke liye wo cheez kuch nahi hai, liability hai. To actually, ispe jyada details nahi hai. To agar friends check kare, step 2, identify the separate performance obligation. It is a promise to a transfer to a customer, first, a goods or services that is distinct, or a series of a goods or services that are substantially the same. Control of the asset. Revenue should be recognized when the customer obtains the control of the asset. Control would generally the following. Entity has a right to payment and the customer has an obligation to pay for the asset. Bas, isme itna hi hai. Let us discuss the question number 7 from our material. Step 3 and step 4, my friends, bahut maza aayega. Transaction price and allocation of transaction price. Ispe itna detail nahi hai. Main first of all, ek question number 7 read kar raha hu. An entity provides broadband service to its customer along with the voice call service. Customer buys a modem from the entity. However, customer can also get the connection from the entity and a modem from any other vendor. The installation activity requires the limited effort and the cost involved is almost insignificant. It is a various plans where it provides either broadband services or voice call services or both. Are the performance obligation under the contract is distinct? Question good. Entity provides the broadband services to customer. ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए मॉडेम चाहिए, कस्टमर के पास दो राइट है कि एंटिटी के पास से मॉडेम भी ले एंड ब्रॉडबैंड सर्विस भी ले। ऐसा नहीं करना है तो मॉडेम कोई दूसरी कंपनी का ले ले, ब्रॉडबैंड सर्विस यहां से ले। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ब्रॉडबैंड सर्विस लेगा तो उसको कॉल सर्विस भी लेना ही पड़ेगा। मेरे पास वेरियस सेपरेट प्लान है जहां पर मैं आपको सिर्फ ब्रॉडबैंड सर्विस देता हूँ,
जहां पे मैं आपको सिर्फ कॉल सर्विस देता हूं, जहां पे मैं आपको दोनों देता हूं। यहां पे ये पूछा है, आर द परफॉर्मेंस सर्विस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस इन द सर्विस आर द डिस्टिंक्ट, आंसर इज यस। मॉडेम जो सेल करते हो वो अलग से कर सकते हो, जिसको सिर्फ मॉडेम चाहिए तो मॉडेम भी लेके जा सकता है। किसी को सिर्फ ब्रॉडबैंड चाहिए, सर विदाउट मॉडेम ब्रॉडबैंड होगा? हाँ, मैंने बोला मॉडेम कोई दूसरी कंपनी का परचेस कर सकते हो। किसी को ना मॉडेम चाहिए ना ब्रॉडबैंड सर्विस चाहिए, तो कहने से वो यहाँ के कॉल सर्विस भी ले रहा है। इसीलिए लास्ट लाइन में से लिखा भी था कि कस्टमर प्रोवाइड्स आइदर ब्रॉडबैंड आइदर कॉल और आइदर बोथ। पहले पैराग्राफ में वो भी लिखा था कि मॉडेम बाहर से भी परचेस करो तो भी चलेगा। तो मुझे यहाँ पे बोला देयर आर थ्री सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वन इज समथिंग बट सेलिंग ऑफ द मॉडेम, सेकंड इज द प्रोवाइडिंग ऑफ द ब्रॉडकास्ट सर्विसेज, एंड थर्ड इज समथिंग बट प्रोवाइडिंग ऑफ द कॉल सर्विसेज। तो सिंपल, इन दिस केस देयर आर थ्री परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इफ आई रीड द आंसर, एंटिटी प्रॉमिसेस टू कस्टमर टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड सर्विस, वॉइस कॉल सर्विस एंड द मॉडेम। एंटिटीज प्रॉमिस टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस इज डिस्टिंक्ट if the customer can benefit from the goods or service either on its own or together with other resources that are readily available to the customer, and the entity's promise to transfer the goods or services to the customer is separately identifiable from other promises in the contract for broadband and the voice call services. Broadband and the voice call services are separately identifiable from other promises as company has a various plans to provide the two services separately. These two services are not dependent or interrelated. Also, the customer can benefit on its own from the service received for the sale of modem. Customer can either buy product from entity or third party. No significant customization or the modification is required for the selling of the product. Based on the evaluation, we can say that there are three separate performance obligation. One is the broadband services, second is the voice call services, and third is the modem. But yahan pe ek performance obligation nahi hai friends, yahan pe total three performance obligation tha. Let us discuss the question number 8 from our material. Again, step 2 ke related to question hai. Entity A, a specially construction firm, enters into a contract with entity B to design and construct a multi-level shopping center with a customer, car parking facility located in the sub-levels underneath the shopping center. Entity B solicited bids from the multiple firms on both phases of the project, that is the thing about design and the construction. The design and the construction shopping center and the parking facility involves the multiple goods and services from the architectural consultation and engineering through procurement and the installation of all of the materials. Several of these goods and services could be considered as separate performance obligations because entity A frequently sells the services such as architectural consulting and engineering services, as well as standalone construction services based on the third party design separately. Entity A may require to continually alter the design of the shopping center and parking facility during the construction, as well as continually assess the proprietary of the materials initially selected for the project. Determine how many performance obligation does the entity have. आपको ये पूछा है, how many performance obligation है? तो can I say friends, आपको यहाँ पे ये check कर लेना पड़े। अब design and construction का काम करते हो, and अगर design and construction का काम करते हो तो can I say आपको ये check करना पड़ेगा कि design and construction separately बेचते हो। तो question का fact back अगर proper detail check करो तो आपको पता चल जाएगा क्या फ्रेंड्स, आप डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन को एक बंडल सर्विस मान रहे हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बंडल सर्विस? दैट इज समथिंग बट कंटिन्यूअसली वहां पे आपका वॉच रहता है। बंडल मतलब कुछ नहीं, कॉम्बिनेशन, कंटिन्यूअसली आपका वॉच रहता है। आप जिसके हिसाब से डिजाइन बनाते हो उसके हिसाब से आप आपके आदमियों को बोलते हो कैसे कंस्ट्रक्ट करो। तो मुझे बोलो कि यहाँ पे देर आर नॉट टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यहाँ पे ओनली वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, दैट इज समथिंग बट वन इज कॉमन, दैट इज समथिंग बट डिजाइन एंड द कंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स अगर उसका आंसर रीड करें, एंटिटी ए एनालिसिस दैट it will be required to continually alter the design of the shopping center and the parking facility during the construction, as well as continually assess the propriety of the materials initially selected for the project. Therefore, the design and the construction phases are highly dependent on one another. That is, two phases are highly interrelated. Entity A also determines that significant customization and the modification of the design and the construction service is required in order to fulfill the performance obligation under the contract. As such, entity A concluded that design and the construction services will be bundled and accounted for as a one performance obligation. So, unke wahan pe ek hi performance obligation hai, that is nothing but design and construction ka combo. Usko hum bolte hain bundled services. Agar friends filling aaye to humne usko kya kiya, combine kar diya hai. Let us discuss the question number 9 from Mar material. First of all, I am reading that question. Entity A software developer
enters into a contract with a customer to transfer a software license, perform an installation service, and provide unspecified software updates and a technical support online and telephone for a two-year period. Entity sells the license, Alexa, installation service and technical support separately. The installation service includes changing the web screen for each type of user, for example, marketing, inventory management, and the information technology. Installation services is routinely performed by other entities and does not significantly modify the software. Software remains functional without the updates and technical support. Determine how many performance obligations does the entity have. First concept ka crux wahi hai. Agar koi cheez ko agar aap separately sell kar sakte ho without any other goods or services, so that performance obligation is a separate performance obligation. Ek cheez ko bechne ke liye agar dusri cheez ka support chahiye, so they both are not a separate performance obligation. They both are considered as a one only single performance obligation. In this case, entity ka kaam kya hai? Bahut sare logon ke sath wo contract karte hai. Software license bechte hai. Wo software ko install karte hai. Unlimited time, jabhi bhi updates hoga, tab updates karke dege. And finally, online support dege. Online and offline both, customer support dege. Question mein last time mein likha hai, software remains functional without any update and technical support. Mala aisa koi zaruri nahi hai ki software liya to update marna hi padega. Update nahi mara ko old version chala sakte ho, koi tension nahi hai. Technical support zaruri nahi hai. Kisne bola ki software bechoge to technical support dena hi padega. If samne wala entity agar usko pehchan hai software ki, to aaram se use kar sakta hai. In this case, koi bhi cheez kisi ke dusre pe dependent nahi hai. To mujhe bolne do, there are separate four performance obligation. That is nothing but software wala license jo sell kar raha ho, usko jo install kar raha ho, usme jo update karke dete ho, and aap jo technical service provide kar raha ho, there are four separate performance obligation. Kisi ko kuch kisi ke sath lena dena nahi hai. To yahan pe there are four separate performance obligation. So friends, agar uska answer check kare, an entity assess the goods or services promised to the customer to determine which goods and services are distinct. Entity observed that software is delivered before and other goods and services and remains functional without the updates and technical support. Thus, the entity concludes that customer can benefit from each of the goods and services either on their own or together with the other goods and services that are readily available. The entity also considers the factors of Ind As 115 and determines that the promise to transfer each goods and services to the customer is separately identifiable from each of the other promise. In particularly, the entity observes that the installation service does not significantly modify or customize the software itself, and as such, the software and the installation service are separate outputs promised by the entity instead of the inputs used to produce a combined output. On the basis of the assessment, the entity identifies four performance obligations in the contract for the following goods or services: the software license, an installation service, software updates, and technical support. Aapko itna hi check karna padega, kaun si cheez sirf separately bech sakte ho, that's your separate performance obligation. Let us first discuss question number 10 from our material. First of all, I'm reading that question. Good question. An entity enters into a contract for the sale of a product A for rupees 1000. As a part of the contract, the entity gives the customer a 40% discount voucher for any future purchases up to rupees 1000 in the next 30 days. Entity intends to offer a 10% discount on the all sales during the next 30 days as a part of the seasonal promotion. Underline karna friends, the 10% discount cannot be used in addition to the 40% discount voucher. Entity believes that there is an 80% likelihood that customer will redeem the voucher, and on an average, a customer will purchase of rupees 500 of additional products. Determine the how many performance obligation does the entity have, and their standalone selling price and the allocated transaction price. Friends, one of my favorite question. Question pehle pura aapko language mein samjho. 1000 rupees ka sale kar rahe. 1000 rupees ke sale ke samne aap customer ko 40% ka discount voucher dete ho. 40% काम किसके लिए है? Next 30 days में अगर आप फिर से 1000 रुपए का परचेस करने के लिए आओगे, तो बॉस आपको 1000 रुपए नहीं देने का, आपको 600 ही देने का, पर next 30 days में आने का एंड मैक्सिमम 1000 रुपए तक मिल जाएगा. मेरी कंपनी का नॉर्मल एक प्लानिंग, एक इंटेंशन है. नेक्स्ट 30 डेज में हमारा बिजनेस का एक्चुअली सीजन होता है, तो वी आर प्लानिंग द नॉर्मल डिस्काउंट ऑफ 10%.
फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट टाइम में लिखा है 10% डिस्काउंट तो जो मिल रहा है दैट इज नॉट इन एडिशन टू द 40%. मतलब जो मैं 40% देने वाला हूँ उसमें वो 10% आ ही गया. मतलब ऐसा नहीं 40+10=50 ही, उसमें आगे कुछ नहीं. तो कहने से मैं नॉर्मली अगर ये वाउचर लेके नहीं आता तो भी मैं कस्टमर को 10% तो देने ही वाला था. मैं मेरे कस्टमर को 40 रुपए बोल रहा हूँ, पर एक्चुअली आई एम नॉट प्रोवाइडिंग अ डिस्काउंट ऑफ 40%. फ्रेंड्स, आई एम प्रोवाइडिंग अ डिस्काउंट ऑफ ओनली 30%. व्हाई? जो वाउचर लेके नहीं आता है उसको भी 10% मिलने वाला है. जो वाउचर लेके आ रहा है उसको 40 दे रहा हूँ. तो सिंपल, आई एम प्रोवाइडिंग जस्ट एन एडिशनल 30% ओनली. तो मेरे क्वेश्चन में वो 40% काम का है ही नहीं, मेरे क्वेश्चन में 30% ही काम का है. किसने बोला कि कोई बंदा आज अगर कूपन लेके गया तो कन्फर्म आएगा ही आएगा? मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ, अगेन आई एम टेलिंग यू आई एम एस्टिमेटिंग कि नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट 30 डेज में 500 रुपए का कोई परचेस करने के लिए आएगा. जो परचेस करने के लिए आएगा ना उसका भी मुझे 80% ही चांस लग रहा है. मतलब आएगा तो भी 80%, आई एम नॉट श्योर आएगा ही आएगा, दैट्स जस्ट एस्टिमेट. तो 500 का 80%, मतलब कहने से मैं परचेस वैल्यू इज थिंकिंग ओनली 400 के सामने अगर मैं डिस्काउंट की वैल्यू कंसिडर करूँ तो कहने से ओनली डिस्काउंट इज 30%. सर आप मिस्टेक कर रहे हो. नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ, 10% नहीं, 40 भी नहीं, ओनली 30. 10 तो मैं सबको देने वाला, जस्ट माई नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस. तो कहने से 400 का 30% इज समथिंग बट 120. तो यहाँ पे आपके 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हुए. प्रोडक्ट ए इज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड योर डिस्काउंट वाउचर इज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. प्रोडक्ट ए का प्राइस था 1000 रुपए एंड प्रोडक्ट बी, मतलब जो आपका डिस्काउंट वाउचर था उसका प्राइस था 120. मतलब कहने से आप 1120 की चीज सिर्फ आप 1000 में ही ले रहे हो. इंड एस 115 बोल रहा है, दोस्त तू 1000 का जो चीज बेच रहा है ना उसके सामने तुझे 1000 मिल ही नहीं रहा है. तू 1120 वाली चीज 1000 में दे रहा है, मतलब तेरे दो पार्ट थे. वन इज अ प्रोडक्ट है फॉर 1000, डिस्काउंट वाउचर इज नथिंग बट 120, मतलब टोटल इज 1120, बट यू आर रिसीविंग ओनली रुपीज 1000. If you are receiving only rupees 1000, then can I say you should bifurcate that 1000 in the ratio of 1000 and 120. तो जो 1000 and 120 के रेशियो में जो मैं 1000 को bifurcate करूँगा एंड मैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करूँगा वो सिर्फ 1000 के प्रपोर्शन में जो इनकम आएगा उसका ही करूँगा. गुड क्वेश्चन. पहले तो बहुत लोगों को 120 डाउट है. 500 रुपये का परचेस करने के लिए कोई आएगा उसका भी 80% लाइकलीहुड है. मतलब सिंपल बोलो तो 400 रुपये में भी कंसीडर करो, 500 का 80% ना आएगा तो 30% डिस्काउंट, मतलब 120. क्वेश्चन में पूछा है देयर आर टू सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वन इज फॉर द प्रोडक्ट ए एंड सेकंड इज समथिंग अबाउट डिस्काउंट वाउचर. इफ यू रीड द आंसर, सिंस ऑल द कस्टमर विल रिसीव अ 10% डिस्काउंट ऑन परचेज ड्यूरिंग द नेक्स्ट 30 डेज, द ओनली एडिशनल डिस्काउंट दैट प्रोवाइड्स द कस्टमर विद अ मटेरियल राइट is the incremental discount of 30% on the product purchase. The entity accounts for the promise to provide the incremental discount as a separate performance obligation in the contract for the sale of product A. The entity believes that there is an 80% likelihood that a customer will redeem the voucher, and on an average, a customer will purchase rupees 500 of additional products. Consequently, the entity's estimated standalone selling price of the discount voucher is rupees 120. 120 kaisa hai friends, bracket mein likh ke diya hai. Rupees 500 average purchase price of the additional product into 30% incremental discount into 80% of the likelihood of exercising the option. The standalone selling price of the product A and the discount voucher and the resulting allocation of rupees 1000 transaction price are as follow. Performance obligation and the standalone selling price. Product A is a separate performance obligation. For that, standalone selling price is rupees 1000. Discount voucher is a separate performance obligation, and for that, your standalone selling price is 120. So actually, total you are providing the goods of rupees 1120. But actually, you are receiving 1000. So, 110% of 1000 ko aapko 1000 and 120 ke ratio mein distribute karna padega. 1000 ko agar 1000 and 120 ke ratio mein distribute karoge, to aapka approx answer aayega nearest chain ke hisab se 819110. तो 890 जो मैंने प्रोडक्ट ए एक्चुअली बेच दिया उसका रेवेन्यू आज ही रिकॉर्ड कर दूंगा. बाकी का 110 इज नथिंग बट माय डिफॉल्ट रेवेन्यू, उसको आज रेवेन्यू नहीं मान सकता. द एंटिटी एलोकेट्स रुपीस 890 टू प्रोडक्ट ए एंड रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू फॉर द प्रोडक्ट ए व्हेन कंट्रोल ट्रांसफर्स. द एंटिटी एलोकेट्स रुपीस 110 टू डिस्काउंट वाउचर एंड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फॉर द वाउचर व्हेन द कस्टमर रिडीम्स इट फॉर गुड्स और सर्विसेज और व्हेन इट एक्सपायर्स. उससे पहले उसके 1 रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम के लिए फ्रेंड्स गुड क्वेश्चन था, अगले दिन उसको देख के जाना पड़ेगा. Next question, that is nothing but question number 11 from our material. First of all, I'm reading the question. Manufacturer M enter into a 60-day consignment contract to ship
1,000 dresses to retailer A's store. Retailer A is obliged to pay manufacturer M rupees 20 per dress when dress is sold to an end consumer. During the consignment period, manufacturer M has the contractual right to require retailer A to either the return the dresses or transfer them to another retailer. Manufacturer M is also required to accept the return of inventory. State when the control is transferred. First question ke first time mein likha, this is nothing but a consignment arrangement. Consignment arrangement mein friends hota kya hai? Consigner consignee ko goods bhejta hai and consignee finally third party ko goods bhejta hai. Actually consignee is receiving just the amount in the form of commission. In the, this case, yahan pe wohi likha hai ki retailer A is obliged to pay manufacturer M rupees 20 per dress. Jo bhi kamaye usme se thoda commission aapko pass on kar dena hai consignor ko. Ultra thoda situation hai. पर सिंपल आपको यहाँ पे अभी कंसाइनमेंट तो डिटेल टॉपिक हमने अलग से रखा है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे सिर्फ जस्ट कंट्रोल कब एस्टेब्लिश होगा, जब मैन्युफैक्चरर एम रिटेलर ए को बेचेगा तब, के रिटेलर ए थर्ड पार्टी को बेचेगा तब. तो मुझे बोलने दो, रिटेलर ए थर्ड पार्टी को बेचेगा तब. रीजन बहुत सारे यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के हिट दिया है. फर्स्ट हिट, मैन्युफैक्चरर एम इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिक्वायर रिटेलर ए टू आइदर द रिटर्न ड्रेस और ट्रांसफर देम टू अनदर रिटेलर. मतलब मैन्युफैक्चरर एम के हिसाब से काम कर रहे हैं. मैन्युफैक्चरर एम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द रिटर्न ऑफ द इन्वेंट्री. मतलब सिंपल मुझे बोलने दो, इन्वेंट्री का रिस्क है वो कंसाइनी का नहीं है, वो कंसाइनर का ही है. तो दिस इज इन कंसाइनमेंट अरेंजमेंट. थर्ड पार्टी को जब बेचोगे तभी आपको उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स अगर उसका आंसर डील करें, मैन्युफैक्चरर एम डिटरमाइंस दैट कंट्रोल हैज नॉट बीन ट्रांसफर टू रिटेलर ए ऑन द डिलीवरी फॉर द फॉलोइंग रीजन. Retailer A does not have an unconditional obligation to pay for the dresses until they have been sold to an end consumer. Manufacturer M is able to require the dresses to be transferred to another retailer at any time before retailer A sells them to the end consumer. Manufacturer M is able to require the return of the dresses or transfer them to another retailer. Manufacturer M determines that control of the dresses transfers when they are sold to an end consumer. That is when retailer A has an unconditional obligation to pay manufacturer M and can no longer return or otherwise transfer the dresses. Manufacturer M recognizes the revenue as the dresses are sold to the end consumer. But the control kab transfer hua, jab manufacturer M ne retailer A ko transfer kiya tab K actually retailer A ne third party ko becha. So third party ko becha tabhi control transfer hoga, usse pehle nahi hone wala hai. And first last question of related to topic 2, that is step 2. That is the thing about question number 12 from our material. First of all, I'm reading the question. An entity negotiates with the major airlines to purchase the tickets at the reduced rate compared with the price of tickets sold directly by the airlines to the public. Entity agreed to buy a specific number of tickets and will pay for those tickets even if it is not able to resell them. The reduced rate paid by the entity for each ticket's purchase is negotiated and agreed in advance. The entity determines that the price at which the airline tickets will be sold to its customer. The entity sells the tickets and collects the consideration from the customer when the tickets are purchased. Therefore, there is no credit risk. Apparently, business mein koi credit risk hai nahi. The entity also assists the customer in resolving the complaints with the services provided by the airlines. However, each airline is responsible for the fulfilling the obligations associated with the ticket, including remedies to a customer for the dissatisfaction with the service. Determine whether entity is the principal or agent. फ्रेंड्स एंटिटी करता क्या है, बहुत सारी नंबर ऑफ एयरलाइंस, जेट एयरवेज, एमिरेट्स, गो एयर, हर एक इंडिगो, हर एक के साथ से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि तू भाई अहमदाबाद टू मुंबई का टिकट अगर तू किसी को 2500 रुपए में बेच रहा है 2500 में, मैं आपके पास से टिकट क्वांटिटी में ले रहा हूँ, पर प्लेन की 150-200 टिकट में क्वांटिटी में ले रहा हूँ, तू मुझे डिस्काउंट कुछ प्रोवाइड कर. सामने वाला रेडी है, वाय रेडी है, क्योंकि उनको कोई टेंशन नहीं, कम तो कम, पर कहने से कैपेसिटी तो फुल जाएगा ही जाएगा. अग्रीमेंट कर लिया है कि जेट एयरवेज के साथ में 200 टिकट अहमदाबाद टू मुंबई के रूट का, जो नॉर्मली 2500 में आप कस्टमर को देते हो, आप मुझे बोलो आप मुझे कितने में दोगे. जेट एयरवेज ने बोला 1500 रुपए में. जेट एयरवेज ने बहुत सारी कंडीशन रखा, तू भाई 200 लेके जा रहा है, जिस मोमेंट पे तू 200 लेके जाए 1500 रुपए में, तुझे कस्टमर को जो भाव से बेचना है बेचना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर ऑब्वियसली अगर मुझे मेरा बिजनेस करना है तो जेड एडवेस डायरेक्टली जो कस्टमर को 2500 रुपए में बेच रहा है, तो कहने से मुझे जो 1500 में मिला है वो मैं 2500 तो कम ही रखूंगा, तो ही लोग मेरे पास से टिकट लेने के लिए आएंगे, बाकी डायरेक्टली जेड एडवेस के पास से ले ही सकते थे. सेकंड चीज, जेड एडवेस ने क्लैरिफाई कर लिया, मैंने जिस मोमेंट पे 200 दे दिया उस मोमेंट पे मेरा काम खत्म, तेरा आगे दो टिकट सेल हो,
तेरा अगेट 50 हो कि तेरा अगेट 200 टिकट चलो, 200 हुआ तो वेर हैप्पी, पर तेरा 2 हुआ तो भी हमको कुछ नहीं। बड़े सिंपल बोलूँ, इन्वेंट्री का रिस्क जेट एयरवेज ने अपने पास नहीं रखा, डायरेक्टली मुझे ट्रांसफर कर दिया एज एन एंटिटी। क्वेश्चन में वो पूछा है व्हाट इज माई इनकम, 2500 में जेट एयरवेज डायरेक्टली देता है, 1500 में मुझे दिया, तो कहने से 1500 समथिंग बट माई एक्सपेंस। मान लो मैं 1500 वाली टिकट 2000 में बेचना स्टार्ट करूं, वेदर माई इनकम इज ओनली 500, दैट इज समथिंग बट जस्ट द कमीशन, आंसर इज नो। इन्वेंट्री का रिस्क मेरा है। इस बिजनेस में नॉर्मली क्रेडिट रिस्क होता ही नहीं है, रीजन जिस मोमेंट पे आप टिकट बुक करो उसी मोमेंट में आपको पेमेंट कर देना है, तो क्रेडिट रिस्क जैसा कुछ नहीं है। इन्वेंट्री का रिस्क ही मेरा है, अगर इन्वेंट्री का रिस्क मेरा है तो आई एम नॉट एन एजेंट, आई एम अ प्रिंसिपल, एंड इफ आई एम अ प्रिंसिपल देन ग्रॉस रेवेन्यू कलेक्टेड बाई मी दैट इज 2000 इज माई रेवेन्यू, 1500 इज नथिंग बट माई एक्सपेंस एंड 500 इज नथिंग बट प्रॉफिट। पर हम तो यहाँ पर रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, वेदर इज अ डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ 500 दैट इज अ कमीशन और अ ग्रॉस रेवेन्यू दैट इज अ 2000, तो यस मेरे लिए ग्रॉस रेवेन्यू इज नथिंग बट माई रेवेन्यू बिकॉज आई एम नॉट एन एजेंट, आई एम अ प्रिंसिपल। तो फ्रेंड्स अगर उसका आंसर देखें, टू डिटरमाइन द वेदर द एंटिटी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज इटसेल्फ दैट इज एन एंटिटी इज अ प्रिंसिपल, और टू अरेंज फॉर अनदर पार्टी टू प्रोवाइड दोज गुड्स और सर्विसेज दैट द एंटिटी इज एन एजेंट। The entity considers the nature of the promise. The entity determines that its promise is to provide the customer with a ticket which provides right to fly on the specified flight or another flight if the specified flight is changed or cancelled. Entity considers the following indicators for the assessment as a principal or agent under the contract with the customers. The entity is primarily responsible for fulfilling the contract which is providing the right to fly. However, the entity is not responsible for providing the flight itself which will be provided by the airline. The entity has the inventory risk for the tickets because they are purchased before they are sold to the entity's customers, and the entity is exposed to any loss as a result of not being able to sell the tickets for more than the entity's cost. The entity has a discretion in setting the sales price for tickets to its customer. Entity concludes that its promises to provide a ticket there is a right to fly to the customer on the basis of the indicators. The entity concludes that it controls the ticket before it is transferred to the customer. Thus, the entity concludes that there is principal in the transaction and the recognized revenue is the gross amount of consideration to which it is entitled in exchange for the tickets transfer. The gross amount jo main collect kar raha hu for customer ke paas se wohi mere liye kya hoga, revenue. Friends, you know very well there are 5-step model. Step 1, yaad kar do friends, identify the contract with customer. Step 2, identify the separate performance obligation. Step 3, determine the transaction price. Step 4, allocation of transaction price. And step 5, that is the satisfaction of the performance obligation. We already discussed step 1 and step 2 and the related questions for that. Let us start step 3, that is the thing, but determine the transaction price. Friends, what is the transaction price? Transaction price is nothing but amount of consideration to which an entity is entitled in exchange for transferring the goods or services. When an entity transfers some goods or services, then that entity has a right. Again, I am telling you, that entity has a right for that amount, then it is considered as a transaction price. But as man lo, transaction price is not included that amount which is collected on behalf of the third party. Matlab, if an entity collect GST for government, so then it is not considered as a transaction price. Like if I am selling the goods at rupees 100 and 100 plus GST of 18%, then I say actually I am collecting rupees 118. But my transaction price is not considered as a 118, my transaction price is only 100. Reason, jo 18 rupees ka GST jo maine liya, wo mujhe mere paas rakhna nahi hai, wo 18 rupees ka GST, friends, hum transfer kisko karne wale the government ko. So anything which is received on behalf of the third party, wo kabhi bhi humko consider nahi karna hai. Following the things must be considered at the time of calculation of the transaction price, that is nothing but time value of money. Uske liye specific line topic leke, that is nothing but significant financing component. If anything is received in the non-cash, to usko bhi consider karna padega. And out of the pocket reimbursement, what is the difference out of the pocket reimbursement? To bahut sare kharche aise hote hain jo actually aapko customer aapko reimburse karke dene wale. Ye sabko ek detailed topic ki tarah deal karega. But agar friends base bana do, to step 3 transaction price. What is the meaning of the transaction price? The amount of the consideration to which an entitled in exchange for the transfer of goods or services. The transaction price does not include amount collected from the third party, that is the GST, and the following must be considered at the time of determining the transaction price. Time value of money, if less than 1 year, then ignore. Fair value of the non-cash consideration, that is nothing, and the third is nothing but out of the pocket reimbursement. Second change. Friends, there are some variable consideration. Friends, what is the meaning of variable consideration? Something. मैं किसी को सेल कर रहा हूं तो मुझे बोल रहा है कि अगर इतनी कंडीशन फुलफिल हो गया तो आपको इतना दूंगा, इतना फुलफिल हो गया तो आपको इतना दूंगा, अगर इतना फुलफिल हो गया तो मैं आपको इतना दूंगा।
So can I say that is not a fixed consideration, that is something which is a variable. Variable in the sense, aaj se mujhe pata nahi hai. There are two possibilities. Main do method hai mere paas. One is the expected value method and second is the most likely value. What is the friend's expected value? Kisi ne bole ki agar itna time mein complete kar diya to main aapko 100 rupees dunga. Itne time mein complete kar diya 300 dunga, itne time mein complete kar diya to 500 dunga. Can I say I have various possibilities? So sabse pehle mujhe probability distribution karna padega. Ki boss 100 rupees collect karo uski probability ye hai. 300 rupees collect karo uski probability ye hai. 500 rupees collect karo uski probability ye hai. In that situation, mujhe expected value method follow karna padega. That is nothing but my different values into probabilities. To mujhe expected value mil jayega. But when you have only two possibilities, it may be answer is yes or it may be a no. So can I say aapko kaun si method follow karna, that is nothing but most likely amount. Simple bol do for academic purpose. When you have various possibilities, then expected value method. But when you have only two possibilities, that is nothing but most likely method. The variable consideration. Following methods should be used to estimate the amount of the variable consideration. Volume discount, incentive, price concession. Expected value when many possibilities and the most likely amount, that is only two possibilities. Now friends, we will discuss that is nothing but volume discount. मेरा सामने वाला क्लाइंट मुझे बोल रहा है कि बॉस अगर आपने 1000 यूनिट अगर मैंने सेल किया तो मैं 1000 रुपये में दे दूंगा. पर जिस मोमेंट पे आपने 1000 यूनिट से ज़्यादा कुछ लिया तो मैं आपको जो प्रोडक्ट है ना वो 1000 रुपीज़ में नहीं दूंगा, मैं आपको प्रोडक्ट है वो 800 रुपीज़ में ही दूंगा. कहने से उन्होंने मुझे वॉल्यूम डिस्काउंट दिया. अब देर आर टू पॉसिबिलिटीज. इट मे बी पॉसिबल का वॉल्यूम डिस्काउंट प्रोस्पेक्टिवली होगा, इट मे बी पॉसिबल वॉल्यूम डिस्काउंट रेट्रोस्पेक्टिवली होगा. फ्रेंड्स प्रोस्पेक्टिवली होगा ना, तो सिचुएशन बहुत सिंपल है. 1000 यूनिट्स के लिए 1000 तो दे दिए, सॉरी खत्म कर दो. पर 1000 से ऊपर कहने से जो भी पेमेंट करोगे तो कहने से वो 800 के हिसाब से पेमेंट करोगे. पर वो बोले कि अगर आपने 1000 से ऊपर दिया तो कहने से मैं आपको डायरेक्टली प्रीवियस रेट्रोस्पेक्टिवली फर्स्ट डे से उसका प्राइस कहने से 800 होगा. अब सब कुछ मेरी एस्टिमेट की गेम होगी कि सामने वाला क्लाइंट एक्चुअली मेरे पास 1000 यूनिट से ज्यादा परचेस करेगा. आंसर इज यस. तो कहने से आज से ही मैं पर यूनिट 1000 रुपए की इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकता. रीजन, क्योंकि मैं रेट्रोस्पेक्टिव लेकर प्राइस चेंज करूं तो कहने से उसकी फ्यूचर में इट मे बी पॉसिबल प्राइस सिर्फ 800 ही कैलकुलेट होगा. तो उसका कैलकुलेशन कुछ करना पड़ेगा, उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू की तरह कंसिडर करने वाले. तो फ्रेंड्स अगर वॉल्यूम डिस्काउंट चेक करें, वॉल्यूम डिस्काउंट्स आर ऑफर्ड एज एन इंसेंटिव टू एनकरेज द एडिशनल प्रोडक्ट्स एंड द कस्टमर लॉयल्टी. The price is reduced prospectively for additional goods or the retrospective will reduce for all purchase. Both prospective and the retrospective volume discount result in the deferred of the revenue if the customer is expected to obtain discount. So, you have to consider karna padega.